हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं डे 13 का अपना लेक्चर SHM का। SHM यानी ऑसिलेशंस या सिंपल आर्मिक मोशन, कुछ भी आप एक नाम दे लो। अच्छा, सिंपल आर्मिक मोशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक या दो सवाल, ठीक है ना, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा दो सवाल तो मान के चलो। देखो, जो लेटेस्ट ट्रेंड इसका SHM का बना हुआ है, वो जनरली इक्वेशन वाले पार्ट से आपका सवाल आ रहा है, ठीक है ना। तो इसकी कंसिस्टेंसी लगातार बनी हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इक्वेशन बाद में लेता हूँ और प्रूविंग वाला पार्ट मैं पहले ले लेता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले सिंपल पेंडुलम या फिर स्प्रिंग मास सिस्टम के टाइम पीरियड के रिजल्ट्स देखेंगे, उन पर प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम लोग सेकेंड हाफ के अंदर देखेंगे, जिसमें आएंगी इक्वेशंस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इनके कंसेप्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा लास्ट में, मैं आपको पढ़ाऊंगा डैम्ड ऑसिलेशन और उसके न्यूमेरिकल करने बड़े मज़ेदार तरीके से सिखा दूंगा। कुछ ट्रिक्स जो हैं वो मैंने स्पेशली, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, तो उनके लिए रखी हुई है। तो जब आप उन क्वेश्चंस को वहां करोगे, एक बार आप करोगे तो आपको आइडिया लगेगा। तो वो ट्रिक मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टेस्ट के अंदर या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा उनके अंदर मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, तो आपको खुद पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो वो आपके लिए पार्ट रहेगा, आप देखोगे, आप सीख जाओगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड सबसे आसान फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है और फटाफट से, वैसे मैंने प्रूविंग भी साथ में दे रखी है बट उसकी आपको जरूरत नहीं रहेगी। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में हम लोगों ने एक मास को स्प्रिंग से सस्पेंड करके छोड़ दिया, ठीक है ना। अब SHM की बेसिक थ्योरी, जो ऑसिलेटरी मोशन या जो जनरल थ्योरी है, वो आप बुक से पढ़ लो। बाकी मैं मेन काम खत्म कर रहा हूँ कि न्यूमेरिकल कैसे एग्जाम के अंदर लगाने हैं और कौन कौन से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो हमारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जिसमें हमने एक मास को स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। अब ये मास अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ चुका है, ये इस मास की इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहाँ फोर्सेस आपस में बैलेंस्ड है। जब हम इसे पकड़ करके खींचेंगे और छोड़ेंगे तो ये इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करना शुरू करेगा। जब ऑसिलेट करते हुए मास पर हम रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, तो वो नेट फोर्स आप देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है एक्स की लीनियर पावर के। तो जब जब रीस्टोरिंग फोर्स एक्स की लीनियर पावर के प्रोपोर्शनल आती है, तो ऐसे टाइप के मोशन को बोलते हैं हम SHM, और अगर उसके साथ हायर पावर आ जाए, लीनियर पावर ना आए, तो ऐसे टाइप के मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी। तो SHM और ऑसिलेटरी का बेसिक अंतर यही है, एक में पावर वन, इसलिए तो नाम है सिंपल ऑसिलेटरी या सिंपल हार्मोनिक मोशन। कॉम्प्लिकेटेड टाइप का होगा तो उसके अंदर पावर वन के साथ साथ हायर पावर भी आपको दिखाई देंगी। तो SHM की पहचान कि रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर वन। अब किसी भी स्प्रिंग मास सिस्टम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/k होता है, जहां k उसका रीस्टोरिंग कांस्टेंट होता है और इसमें मास को रीस्टोर कराने के लिए mg नहीं रिस्पांसिबल है, स्प्रिंग रिस्पांसिबल है। इसलिए स्प्रिंग कांस्टेंट या रीस्टोरिंग कांस्टेंट का काम करता है। तो जब तक बाकी की फोर्सेस कांस्टेंट है, जैसे यहां पर mg कांस्टेंट है, ये आप खींचो तो भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो इसको रीस्टोर कराने के लिए जब तक स्प्रिंग रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तब तक स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड फिक्स रहेगा। कितना? 2π√m/k। फिर आप इस स्प्रिंग मास सिस्टम को लिफ्ट के अंदर ले जाओ तो भी टाइम पीरियड 2π√m/k। फिर आप इसको पानी के अंदर ले जाओ तो भी टाइम पीरियड 2π√m/k। फिर आप इसको चार्ज दे दो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, टाइम पीरियड 2π√m/k। तो जब तक रीस्टोर कराने के लिए स्प्रिंग रिस्पॉन्सिबल है, तब तक टाइम पीरियड 2π√m/k रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अब इसमें जो प्रॉब्लम्स बनते हैं वो तीन चार तरीके के बनते हैं। सीरीज पैरेलल तो कॉमन ही है, वो तो आसान सा है। उसके बाद हमारा रिड्यूस मास सिस्टम आ जाता है, उसके बाद हमारा एंटी पैरेलल। तो इन कॉम्बिनेशंस को हम डिस्कस करते हैं, तो आप देखते चलो। सबसे पहले आता है सीरीज पैरेलल, बहुत ही ज्यादा आसान होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है और आराम से सीख सकते हो। बस सीखने वाली बात यह है कि अगर दो स्प्रिंग सीरीज में लगी हुई हो तो ऐसे सिचुएशन में इनमें आने वाली फोर्स सेम होती है। तो K1X1 और K2X2 का वैल्यू सेम होता है, ये मैंने लॉज ऑफ मोशन में भी आपको बताया था। तो स्प्रिंग जब सीरीज में लगी हो तो फोर्स सेम होता है, बट एलोंगेशन अलग अलग होता है। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला 1/K1 1/K2 करके हम लोग निकालते हैं, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन करते थे, या फिर ऐसे बोल लो कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन चलता है। तो 1/K इक्विवेलेंट 1/K1 + 1/K2। और अगर दो स्प्रिंग है तो आप फटाफट से K1 K2 / K1 + K2 करके इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते हो। और टाइम पीरियड का फाइनल फॉर्मूला 2π√m/k इक्विवेलेंट।
तो शुरू शुरू की चीज तो बड़ी आसान सी है, पर टेंशन मतलब धीरे 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 लेक्चर उठेगा, ठीक ना, पीक तक जाएगा। और मैं बोल रहा हूँ आपको मजेदार खेल समझ आ जाएगा जब हम पहुंचेंगे डैम्ड ऑसिलेशन पर। तो फिलहाल पहले आप इसको सीखो। सिमिलरली पैरेलल में अगर स्प्रिंग कनेक्टेड हो तो ऐसे में एलोंगेशन तो सेम होता है, बट फोर्सेस अलग अलग होती हैं और के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला के वन प्लस के टू होता है और टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/k1+k2। तो ये तो सिंपल आसान सा काम है। अब इसके बाद दो और चीजें आती हैं, उनको देखो। एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल में स्प्रिंग आमने सामने लगी हुई होती है, मास के आमने सामने स्प्रिंग लगी हुई है, तो दिस थिंग ऑल्सो एक्ट एज पैरेलल कॉम्बिनेशन और इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट k1+k2 ही रहता है। तो इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला फिर हमारे पास आ जाएगा 2π√m/k1+k2। तो ये बिल्कुल पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह ही आपका एक्ट करता है। अब आता है रिड्यूस, हम प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं, डरना मत, ठीक है ना, ये सिर्फ पहले पैटर्न समझाऊं फिर हम सारी प्रैक्टिस करते हैं इस पे। तो हमारे पास रिड्यूस मास सिस्टम है। रिड्यूस मास सिस्टम तब बोलते हैं जब एक स्प्रिंग के दोनों एंड पर हम दो अलग अलग मासेस, अलग अलग या सेम मासेस कनेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे में स्प्रिंग तो एक है पर मासेस दो है, प्रूविंग की कोई जरूरत नहीं है। एम रिड्यूस की वैल्यू हम लोग इसमें इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, उसको बोलते हैं रिड्यूस मास। रिड्यूस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मास आता है वो इन दोनों मासेस से कम आता है। तो फॉर्मूला उसका m1 m2 / m1 + m2 और टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाता है 2π√m/k। तो इस तरीके से आप रिड्यूस मास सिस्टम को सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। जैसे आप ये प्रॉब्लम देख रहे हो, ये हो गया एंटी पैरेलल के कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड। इसके अंदर सब कुछ मिक्सड है, सीरीज भी है, पैरेलल भी है, सारी चीजें मिक्सड है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, देखो जरा। तो ये दोनों स्प्रिंग जो लगी हुई हैं, ये दोनों हो गई सीरीज में। दो एक जैसी स्प्रिंग सीरीज में लगा हो गए तो वो डबल नहीं हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया के। अब ये दोनों तो पैरेलल में और ये इसके एंटी पैरेलल में, तो सीधे ही बोल लो तीनों पैरेलल में क्या फर्क पड़ता है। तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया k+k+k, दैट मींस 3k। तो बहुत ही आसान टाइप का सवाल है। ऐसे आप जन अब एसीबी में भी यही दिया हुआ है, इतना ही दिया हुआ है, बट हम इससे भी ऊपर चलेंगे तो आसान सा लेवल है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास आ गई 2π√m/3k। तो बिल्कुल सस्ता सा प्रॉब्लम है। ऐसा टाइप का प्रॉब्लम आ जाए आपको छोड़ के नहीं आना, करके जरूर आना है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं थोड़े से ठीक ठाक प्रॉब्लम पर। अब देखो रिड्यूस मास सिस्टम तो है बट थोड़ा अच्छा सजाया गया है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा देख के अच्छा लगता है, हाँ यार कुछ तो काम करने लायक है। तो दो मासेस हैं बट साथ साथ में बीच में सीरीज पैरेलल का सेटअप लगाया गया है। तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये के और के हमारे पैरेलल के अंदर हो गए। तो एक जैसे ये दो पैरेलल के अंदर, वैसे एक जैसे हूँ अलग अलग हूँ क्या फर्क पड़ता है, पैरेलल में तो हमें डायरेक्ट ऐड करना है। तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इन दोनों का 2k बन गया। अब 2k और k ये तीनों हो गए सीरीज में, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2k और 2k ये बन जाएगा k, k और k फाइनली बन जाएगा k/2। तो सिंगल स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया k/2। अब हम रिड्यूस मास निकाल लेते हैं, फॉर्मूला m1 m2 / m1 + m2, आंसर मिल जाएगा m/2, ठीक है ना, फाइनली मिलेगा m²/2m, कट पिट के बचेगा m/2। अब आप पुट कर लो फॉर्मूले के अंदर, तो टाइम पीरियड का वैल्यू हो गया 2π√m/reduced/k=m रिड्यूस्ड हो गया m/2, k=k/2, आंसर आ गया 2π√m/k। मेरे ख्याल से इसमें भी आपको कोई डर नहीं लगा होगा, आराम से आपने प्रैक्टिस कर ली होगी इसकी। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम पर। ये अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुए तो वहां टाइम खराब होगा आपका, इसलिए मैं इसकी प्रैक्टिस यहां पे करा रहा हूं। देखो ये भी कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में से एक है, ठीक है ना, बट वो जनरली ज्यादातर बच्चों को ये पता नहीं होते इस टाइप के रिजल्ट। तो मैं बताता हूं है क्या। एक मास को हमने दो अलग अलग स्प्रिंग से बांधा, ठीक है ना, एक बार K1 स्प्रिंग कांस्टेंट की, एक बार K2 स्प्रिंग कांस्टेंट की। K1 वाले के साथ टाइम पीरियड T1 है, K2 वाले के साथ टाइम पीरियड T2 है। अब खेल ऐसे चलता है, कहता नाउ बोथ स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब मास को बांध करके ऑसिलेट करा रहे हैं, टाइम पीरियड बता दो। अब दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, अब टाइम पीरियड बता दो। तो ऐसे सवाल को कैसे हैंडल करना है, खेल वो है। तो अब इस टाइप के लिए पहले हम स्टैंडर्ड थ्योरम डेवलप कर लेंगे। मेरा सजेशन है फॉर्मूला याद कर लेना ताकि आप एग्जाम के अंदर टाइम डिले में ना हो, आप ज्यादा टाइम ना लगाओ, फटाफट से सुना, आंसर लिखा, काफी इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ, हो सकता है आ जाए इस साल नीट एग्जाम के अंदर। तो ये सेक्शन का पहला एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ। तो चलो पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, तरीका क्या रहे। तरीका ये रहेगा, K1 वाले के साथ टाइम पीरियड T1 है, तो पहले T1 का फॉर्मूला हमारे पास आया 2π√m/k1 और T2 के साथ हमारे पास फॉर्मूला आया 2π√m/k2। तो यहां से बाकी तो सब कांस्टेंट ही है, मास हम सेम ही सस्पेंड कर रहे हैं, तो यहां से हम कह सकते हैं T1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √k1 एंड T2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √k2। तो स्क्वेयरिंग कर ले तो हमें K1 मिल गया, तो K1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T1² एंड K2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T2². तो बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T² हो गया। अब हम स्प्रिंग को जोड़ने जा रहे हैं किसमें,
सीरीज में। तो सीरीज के अंदर अगर हम कनेक्ट करें तो हमें नया टाइम पीरियड निकालना है। तो सीरीज के अंदर पहले इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाओ, तो 1/k इक्विवेलेंट 1/k1 प्लस 1/k2। अब आप k इक्विवेलेंट की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो इनवर्स ऑफ t इक्विवेलेंट का स्क्वायर, तो यहां ऊपर आ जाएगा t इक्विवेलेंट का स्क्वायर, या फिर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो t सीरीज का स्क्वायर, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। k1 की जगह इनवर्स में आ जाएगा t1 स्क्वायर और इधर आ जाएगा बेटा t2 स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल सा रिजल्ट आ गया कि अगर दो स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो उनका इक्विवेलेंट टाइम पीरियड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड वाले के स्क्वायर का होल का अंडर रूट। तो ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली हम लोग पैरेलल का निकाल सकते हैं। पैरेलल के लिए क्या करना पड़ेगा, के इक्विवेलेंट की वैल्यू डालनी पड़ेगी k1 प्लस k2, फिर उस k की जगह 1/t स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो मैंने आगे किया हुआ है, आपको दिखाता हूं। तो देखो आप, तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई k1 प्लस k2, k इक्विवेलेंट की जगह 1/t डाल दिया। ये p स्टैंड फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ध्यान रखना। तो पैरेलल का हमारे पास रिजल्ट आ गया 1/t पैरेलल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/t1 स्क्वायर प्लस 1/t2 स्क्वायर। तो एक बार फिर से दिमाग में सेट करो, हमारे पास स्प्रिंग्स हैं बहुत सारी हैं, अब मैं दो नहीं बोल रहा, बहुत सारी स्प्रिंग्स हैं, सेम मास को सस्पेंड करते हैं उन सब स्प्रिंग के साथ सेपरेटली अलग अलग। तो पहले के साथ टाइम पीरियड t1 है, दूसरे के साथ t2 है, तीसरे के साथ t3 एंड अप टू सो ऑन। तो अगर सारी स्प्रिंग सीरीज में लगाई जाए तो नया टाइम पीरियड आ जाएगा टी सीरीज स्क्वायर बराबर t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। और पैरेलल में लगाएंगे तो टाइम पीरियड आएगा उल्टा, ठीक है ना। तो के इनवर्स में चल रहा है टी स्क्वायर, इसे याद रख के आप इस रिजल्ट को याद रख सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ आ गया होगा, बाकी प्रॉब्लम में लगा के दिखा रहा हूं, आप देखो सीखो कैसे इसको एक लाइन के अंदर उड़ाते हैं एग्जाम में। हाँ, पर उसके लिए आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल टेस्ट के अंदर मैंने इंक्लूड किए हुए रखे हुए हैं, तो वहाँ आपका हाथ सेट हो जाएगा प्रैक्टिस सेशन के अंदर। तो आप उसकी मन लगा के प्रैक्टिस करना, ये एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है, फिर से बोल रहा हूँ। देखो, अ मास इज ऑसिलेटेड सेपरेटली बाय टू स्प्रिंग, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 सेकंड एंड 3 सेकंड। तो पहली स्प्रिंग के साथ 2 सेकंड है और दूसरी स्प्रिंग के साथ 3 सेकंड है। अब करना क्या है, कैलकुलेट। अब इसमें पूछा तो मैंने वही है, क्योंकि चल वही रहा है, ठीक है ना। तो कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन सीरीज एंड पैरेलल, आप आंसर निकालो, वेरीफाई करो। तो अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें तो टी सीरीज का स्क्वायर t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, और सीरीज में स्क्वायर अब सीधे सीधे वैल्यू डाल लो तो ये बन गया 4 प्लस 9, और टी सीरीज की वैल्यू मेरे पास आ गई √13 सेकंड। अब पैरेलल की भी कहानी पूछी जाएगी तो पैरेलल वाला भी खत्म कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा टाइप का सवाल आ जाए और आपको पता हो तो आपके लिए तो फ्री का सवाल है, 4 नंबर तो कमा के आप आओगे, लूज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। बस हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन संभाल के जरूर कर लेना। पैरेलल के अंदर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1/t पैरेलल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/t1 स्क्वायर 4 हो गया, 1/9 हो गया। तो 1/t पैरेलल स्क्वायर ये बेटा हमारे पास आ गया, ऊपर एलसीएम में हमारे पास ऐड होकर के 13 आ गया और नीचे आ गया 36। तो t पैरेलल की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट ऑफ 36/13 सेकंड। तो मेरे ख्याल से ये एप्लीकेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं अगला रिजल्ट आपको देने जा रहा हूँ, ये भी आपको बहुत सारी जगह पे मिलेगा, ठीक है ना। कटिंग ऑफ स्प्रिंग, कटिंग ऑफ स्प्रिंग भी एक आसान सेक्शन है, बट इसका एक मैंने बढ़िया सा प्रॉब्लम बनाया हुआ है, वो अभी प्रैक्टिस के लिए कराता हूँ, फिर वैसे प्रॉब्लम टेस्ट के अंदर है, आपका हाथ बढ़िया सा सेट हो जाना चाहिए। तो अगर हम स्प्रिंग को काटते हैं तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट से होता है, वो लेंथ के इनवर्स रेशियो के हिसाब से डिवाइड होता है। मतलब कटी हुई स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट वो नहीं रहता, जो ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो लेंथ के इनवर्स रेशियो में आता है। तो अगर आप कटे हुए स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना चाहते हो तो के कटेड निकालने का जो मेरा तरीका है वो है टोटल फ्रैक्शन, या फिर बोलो टोटल लेंथ बाय कटेड लेंथ इनटू टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट। तो टोटल फ्रैक्शन हो गया L1 प्लस L2 प्लस L3। गिवन लेंथ हो गई, सपोज करो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना चाहते हो तो हम गिवन लेंथ में L1 डालेंगे इनटू टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट, टोटल जो हमें ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट K दे रखा होगा। तो K1 का वैल्यू आ गया L1 प्लस L2 प्लस L3 बाय L1 इनटू K। तो ये समझ आ गया होगा कटेड स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। बट ये समझ के खुश नहीं हो जाना कि नहीं हमसे तो यही पूछा जाएगा, नहीं भाई, सवाल में उठा करके काफी अच्छे तरीके से इसको पूछा जाता है, मैं दिखाता हूं अभी न्यूमेरिकल, पहले आप इसको सीख लो। तो K2 का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो टोटल तो वही हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइडेड बाय L2 इनटू ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट, सिमिलरली K3। तो जब भी हम स्प्रिंग को काटते हैं तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ के इनवर्स रेशियो के हिसाब से डिवाइड होता है। अब जैसे न्यूमेरिकल देखो,
ये है एक फिर से एक और बढ़िया एक्सपेक्टेड टाइप का प्रॉब्लम आपके नीट एग्जाम के लिए। कहता है कि स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा था, हमने इसको तीन पार्ट में काटा इन लेंथ रेशियो 1:2:2। तो आप लैंग्वेज पढ़ो, अ स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट के इज कटेड इन थ्री पार्ट हैविंग लेंथ रेशियो 1:2:2, टू पार्ट ऑफ सेम लेंथ। अब खेल शुरू होता है, ठीक है ना। तो यहां जाने से पहले हम एक काम करते हैं, इनका स्प्रिंग कांस्टेंट पहले निकाल लेते हैं ताकि आगे के लिए हमारे पास रास्ता तैयार हो। तो हमने 1:2:2 के पोर्शन में काटा। अब मान लो मेरे को K1 का वैल्यू निकालना है, तो टोटल हो गया 2:4 और 1:5 डिवाइडेड बाय इसका फ्रैक्शन 1 इंटू टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो K1 की वैल्यू बेटा 5K आ गई, सिमिलरली K2 आ गया 5K/2, K3 आ गया 5K/2। तो सबसे पहले जब भी स्प्रिंग काटी जाए, कटे हुए स्प्रिंग्स का स्प्रिंग कांस्टेंट जरूर निकाल लो। खेल अब आगे बढ़ता है। टू पार्ट ऑफ सेम लेंथ, तो सेम लेंथ वाले कौन कौन से हैं, ये वाले और ये वाले। तो अब क्या किया जा रहा है वो ध्यान से सुनना। टू पार्ट ऑफ सेम लेंथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ऐसे प्रॉब्लम में एग्जामिनर डायग्राम नहीं देता, वो चाहता है कि आप खुद डायग्राम बनाओ, खुद समझो सवाल को और खुद उसको अटेम्प्ट करो। क्योंकि उसने डायग्राम दे दिया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा, फिर आपसे पूछने लायक ज्यादा कुछ बचेगा नहीं सवाल के अंदर। तो एग्जामिनर के इस जाल से अगर आपको बाहर निकलना है तो बढ़िया सवाल करके डायग्राम आपको जरूर बनाना है। ये गलत हो गया तो सवाल गया, ये ध्यान रखना। टू पार्ट ऑफ सेम लेंथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसमें से जिनकी लेंथ सेम है उनको पैरेलल में लगाया। तो लेंथ इसकी और इसकी सेम थी, तो मैंने 5K/2 और 5K/2 को पैरेलल में लगाया। एंड थर्ड पार्ट इज इन सीरीज विद देम, अब तीसरा पार्ट इन दोनों पैरेलल के साथ सीरीज में है। अब ये कैसे लगाएंगे, तो ये थर्ड पार्ट इधर आ गया सीरीज में और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है हमारे पास 5K और इसके साथ हमने सेम मास कनेक्ट कर दिया। अब हमें पता करना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अब तो आसान है, ये दोनों पैरेलल में हो गए तो ऐड हो गया, तो के इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया यहाँ पर ये। अच्छा मैं चलो सर्किट आपको सर्किट बोल रहा हूँ, ये आपको कॉम्बिनेशन बना बना के दिखा रहा हूँ, आपका कंसेप्ट ठीक हो जाएगा। देखो तो 5K/2 ऐड होकर के 5K हो गया, सिमिलरली इधर 5K हो गया, इधर M हो गया। अब के इक्विवेलेंट निकालोगे तो दो एक जैसे सीरीज में, ऐड मत कर देना, आधा हो जाएगा। तो आंसर बना 5K/2 और टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2π√M/5K और ऊपर आ गया 2। तो आई थिंक समझ आ गया होगा आपको कटेड स्प्रिंग का टाइम पीरियड निकालने का केस। तो ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम था। अब आगे चलते हैं, फिर से अगला रिजल्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाँ देखो ये बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है, ये CV के अंदर है, हर जगह पर आपको इसका सवाल मिलेगा, मेरे टेस्ट में भी मिलेगा, मैंने कई क्वेश्चंस इस पे रखे हुए हैं आपके लिए। तो चलो सीखते हैं, इस पे ही बेस्ड कुछ ट्रिक्स हैं जो मैंने टेस्ट के सॉल्यूशंस में बताई हुई हैं, ठीक ना। वो यहाँ नहीं बताऊंगा, वो टेस्ट के सॉल्यूशन में आप देखना ताकि आपका दिमाग चले कुछ। तो हमारे पास कुछ स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट के हैं और दो स्प्रिंग इसमें सिमेट्रिकली थीटा एंगल पर लोकेटेड है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जब हम इस मास को खींचते हैं तो ये मास ऐसा नहीं कि किसी भी तरफ खींच दो, इसको हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री पे खींचना होता है। लाइन ऑफ सिमेट्री पे खींच के छोड़ते हैं तब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है। अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री पे नहीं खींचेंगे तो इसका पाथ आर्बिट्री हो जाएगा, जिगजैग हो जाएगा, वो फिर खेल खराब कर देगा। तो आपको मास को हमेशा खींच करके छोड़ना है लाइन ऑफ सिमेट्री पर। अब इसका तरीका ये है, जब हम मास को लाइन ऑफ सिमेट्री पर खींचते हैं और छोड़ते हैं तो जो स्प्रिंग लाइन ऑफ सिमेट्री पर होती है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन तो पूरा आता है। ये डायरेक्ट रिजल्ट दे रहा हूं मैं, आप इसको याद रखना। और जो स्प्रिंग थीटा एंगल पर होती है लाइन ऑफ सिमेट्री से, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन के नहीं आता, के कॉस थीटा भी नहीं आता, के कॉस स्क्वायर थीटा आता है। तो रिजल्ट ध्यान रखना, जो स्प्रिंग थीटा एंगल पर है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आपको के कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। सिमिलरली इस स्प्रिंग का भी स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन के कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। अब ये एक तरीके का एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, जिसका के इक्विवेलेंट हो गया के प्लस 2K कॉस स्क्वायर थीटा। आपको थीटा पता है, पुट करो, के इक्विवेलेंट आएगा, के इक्विवेलेंट आ जाएगा तो टाइम पीरियड आ जाएगा। तो वापस से दिमाग में सेट करना, लाइन ऑफ सिमेट्री पर खींचना है, प्रूफ नहीं करना हमें उसे। जो स्प्रिंग थीटा एंगल पर लोकेटेड है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, और जो स्प्रिंग उस लाइन ऑफ सिमेट्री पर लोकेटेड है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा का पूरा मिलेगा। अगर कोई स्प्रिंग 90 डिग्री पर है तो उसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो ये भी एक स्पेशल तरीका है इस स्प्रिंग सिस्टम को सॉल्व करने का। अब मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूं, देखना। तो ये बड़ा फेवरेट प्रॉब्लम है SCV का, ये ओरिजिनल ये प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ रखा हुआ है। तो तीन सिमेट्रिक स्प्रिंग है,
हर किसी के बीच का एंगल 120 है, तो अब कहीं पर भी खींच के छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब सिमेट्रिक है। तो मैंने ये लाइन ऑफ सिमेट्री बना ली, यहाँ से इन दोनों स्प्रिंग्स के एंगल 60-60 डिग्री हो गए। अब हमें के इक्विवेलेंट निकालना है, तो इस स्प्रिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन तो पूरा आ गया, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया के कॉस स्क्वायर 60, इसका भी कॉन्ट्रीब्यूशन के कॉस स्क्वायर 60। चलो अब के इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो वो हो गया के प्लस 2k cos स्क्वायर 60। अब cos 60 का आप यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, cos 60 का वैल्यू हो गया 1/2, स्क्वायर लग के हो गया 1/4, बचा इधर हाफ, फाइनल आंसर बना 3k/2। तो k इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 3k/2, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2π√m/3k और साथ में ऊपर 2। तो ये था आपका बहुत सारी स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन का सवाल। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो एक और प्रॉब्लम है, ये भी एससीवी का ही प्रॉब्लम है। तो इस तरीके के दोनों प्रॉब्लम जनरली एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने रखे हुए हैं, ठीक है ना। अब टेस्ट के अंदर मैंने स्क्वायर बना करके स्प्रिंग लगाई हुई है, तो वो भी कुछ नए नए सवाल आपको देखने को मिलेंगे, वहीं पर देखना। अब यहाँ पर ये दोनों स्प्रिंग के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये वाली स्प्रिंग इन दोनों स्प्रिंग से सिमेट्रिकली लोकेटेड है। तो हमने लाइन ऑफ सिमेट्री बनाया, एंगल ढूंढे 45-45। अब डायरेक्ट लिख लेते हैं के इक्विवेलेंट, तो इसका के इक्विवेलेंट हो गया इसका कॉन्ट्रीब्यूशन के कॉस स्क्वायर 45, और सिमिलरली दूसरे स्प्रिंग का भी के कॉस स्क्वायर 45। तो के इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया के प्लस 2k कॉस 45 हो गया 1/√2, स्क्वायर लग के हो गया 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 2k। अब आप टाइम पीरियड आराम से लिख लो, फॉर्मूला मिल गया 2π√m/2k। तो मेरे ख्याल से अब तो मजा आ गया होगा इस तरीके की स्प्रिंग में, अब आपको डर नहीं लगेगा, सिर्फ एक लाइन का काम है उड़ा के चले आना। अब आगे चलते हैं, हाँ इस तरीके का प्रॉब्लम। अब ये थोड़ा सा मैंने एडवांस रख दिया, देखो ये वाला प्रॉब्लम, और इसका एक और भाई है वो भी मैंने यहाँ रख दिया। ये प्रॉब्लम जो मैंने अभी दिखाया आपको, ये IIT एडवांस में पूछा गया था, डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर, और अभी के अभी कर लेंगे, कुछ खास नहीं है, बस एक सिंपल तरीका वो सुनना है जो हर बुक में अवेलेबल है, ऐसा नहीं है नहीं है, बस खाली इस टाइम पर हमें रिवाइज करके रखना है। अब सुनो, स्प्रिंग पुली सिस्टम है, अगर कोई स्प्रिंग पुली के सेंटर पर कनेक्टेड है तो ऐसे सिचुएशन में उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 1/4 ही कंट्रीब्यूट करता है। तो हम क्या करते हैं, सेंटर पर कनेक्टेड पुली के सेंटर पर कनेक्टेड स्प्रिंग को हम रिप्लेस करते हैं एक नई स्प्रिंग से जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है k/4। तो ध्यान रखना है आपको कि पुली के सेंटर पर अगर स्प्रिंग बंधी हुई है तो ऐसे में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4 जाता है। तो अब आप पुली हटाओगे और यहाँ 1/4 स्प्रिंग कांस्टेंट की स्प्रिंग लगाओगे। अब आप टाइम पीरियड निकालोगे तो फॉर्मूला वही 2π√m/k, k की जगह हमारे पास सिंपल k/4 आ गया और फाइनल आंसर आ गया 2π√4m/k। तो मेडिकल एग्जाम में सीधे सीधे ये रिजल्ट भी पूछ लिया जाता है, बट ये तो स्टैंडर्ड हो गया। अब थोड़ा सा घुमा फिरा करके मैंने ये रिजल्ट पूछ लिया। अब इस सवाल को देखो, तो इस सवाल के अंदर अब क्या करना चाहिए, देखो ये स्प्रिंग तो पुली के सेंटर पर कनेक्टेड है और ये मास के साथ सीधे बंधे हुई है, तो ये एक स्पेशल सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। इसको प्रूफ करने की आपको जरूरत नहीं है, ये आप डायरेक्ट यूज करना, ठीक है ना, एग्जाम में आपका रिजल्ट 100% पूरा आएगा। तो जो स्प्रिंग पुली के सेंटर पर कनेक्टेड है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन तो 1/4 जाएगा, और जो स्प्रिंग सीधे मास के साथ अटैच्ड है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा का पूरा जाएगा। तो हमने क्या किया, इन दोनों को रिप्लेस किया एक स्पेशल सीरीज कॉम्बिनेशन से जिसमें इसका कॉन्ट्रीब्यूशन k/4 और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा का पूरा, और मैंने यहाँ पर मास लगा दिया। अब हम इसका k इक्विवेलेंट निकालेंगे, और इसे निकालने के लिए अब दोनों किसके अंदर है, सीरीज के अंदर है, तो 1/k इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यूज करो, 1/k दैट मीन्स 4/k प्लस 1/k, आंसर बना 5/k, और k इक्विवेलेंट का वैल्यू हमारे पास आ गया k/5। अब आप इसका टाइम पीरियड लिखो 2π√m/k/5। तो ध्यान रखना है, जो स्प्रिंग पुली के सेंटर पर कनेक्टेड है उसका 1/4, और जो स्प्रिंग मास के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है उसका पूरा कंट्रीब्यूशन जाता है, और ये सिस्टम एक सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह काम करता है। एक और एडवांस सवाल दिखा देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये बढ़िया सा सेट हो जाए, क्योंकि आप शायद ये पहली बार देख रहे होंगे इस तरीके का कॉम्बिनेशन। तो देखना, हाँ कॉम्बिनेशन अगर देखा भी होगा तो शायद रास्ता पहली बार देख रहे होगे, तो डर तो लगेगा। अब देखो अब ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया, तो इतना अगर आप कर ले गए तो मेरे ख्याल से फिर तो कोई आपको बीट नहीं कर पाएगा एग्जाम में।
तो अब इसका टाइम पीरियड, ये तो आईआईटी वाले भी रो देते हैं इसका टाइम पीरियड निकालने में, अब एक लाइन में कैसे उड़ाते हैं, ये सब मैंने वीडियो लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है, बट ये क्रैश कोर्स है इसलिए इसको कंप्रेस करके दे रहा हूँ आपको। तो इन सब की ट्रिक, इन सब के रिजल्ट, ये सब आपको वीडियो लेक्चर्स के अंदर देखने को मिलेंगे, रेगुलर क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अभी आप बस खाली उसका फाइनल रिजल्ट एप्लीकेशन में लाओ। तो यहाँ पर दो स्प्रिंग्स हैं जो पुली के सेंटर पर बंधी हुई हैं, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन K/4 मिलेगा, और एक स्प्रिंग डायरेक्टली मास से कनेक्टेड है। तो हम इस सिस्टम को एक इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन से रिप्लेस कर रहे हैं। इसका रिप्लेसमेंट हमने किया K/4, इसका रिप्लेसमेंट हमने किया K/4, और इसको हमने रिप्लेस किया K से। अब आप मास उठाकर बांध दो, आप आंसर निकाल लो। अब आप चाहे IIT के हो, चाहे आप मेडिकल के हो, आपका सवाल सिर्फ एक लाइन के अंदर उड़ जाएगा। अब के इक्विवेलेंट तो मेरे ख्याल से मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आप खुद कर लोगे सीरीज कॉम्बिनेशन का कैलकुलेट, और फिर आप टाइम पीरियड निकाल लो। तो मेरे ख्याल से अब ये स्प्रिंग वाले में डर नहीं लगेगा, इस ट्रिक का इस्तेमाल करो, आपका सवाल कंप्लीट। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहां पर ये दूसरा स्प्रिंग मास सिस्टम का कॉम्बिनेशन है, स्प्रिंग पुली सिस्टम का कॉम्बिनेशन है, जिसमें मास पुली के सेंटर पे बंधा हुआ है। तो ये भी प्रूफ का पार्ट होता है, बट अब प्रूफ की हमारे पास टाइम नहीं है ना, हम उसको देखने जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम हमारा प्रूफ नहीं मांगता, एग्जाम में हमें एप्लीकेशन चाहिए। तो एप्लीकेशन देखो, सीखो। तो जब मास पुली के सेंटर पे बंधा हुआ है और एक साइड पर स्प्रिंग बंधी हुई है, तो ऐसे सिस्टम को हम एक स्पेशल पैरेलल सिस्टम से रिप्लेस करते हैं, जिसमें ये स्प्रिंग अपने सामने वाले धागे को भी स्प्रिंग में कन्वर्ट कर देती है, और दोनों का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो ओरिजिनल स्प्रिंग के स्प्रिंग कांस्टेंट का डबल हो जाता है। तो वापस से सुनना, फिर से सुनना ध्यान से। तो ये क्या करेगी, अपने सामने वाले को भी स्प्रिंग बना लेगी, और दोनों मिलकर के डबल स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो अब हम करेंगे क्या, इस सिस्टम को रिप्लेस करेंगे दो पैरेलल स्प्रिंग से, इसको भी स्प्रिंग, इसको भी स्प्रिंग, और दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट डबल कर देंगे। अब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन का के इक्विवेलेंट हमारे पास आ गया 4K, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2π√m/4K। तो मेरे ख्याल से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, स्पेशल पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके पल्ले पड़ा होगा। अब आप इस पे बेस्ड ये सवाल देखो। देखो सवाल माना मैंने थोड़ा लेंथी है, बट इतना तो जाना पड़ता है। अब सीखो, तो बहुत तगड़ा नेटवर्क मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, आप करके देखो, ठीक है ना, डर लग जाएगा करते करते, इसलिए मत करो। अब मेरा तरीका देखो, उसके बाद फिर आप इसको ट्राई करना। ऐसे मैंने टेस्ट के अंदर दिए हुए हैं, तो आपका हाथ परमानेंट उसके अंदर सेट हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब सीखो, तो इस टाइप के सिस्टम को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो सुनो। सबसे पहले हम इस पुली को रिप्लेस करने जा रहे हैं, ये और ये खुद को स्प्रिंग बना लेंगे, हैविंग डबल स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। तो ये 2K, ये 2K। अब देखना बेटा, तो जैसे ही हमने इसको 2K से रिप्लेस किया, ये पुली गायब हुई और दो हमारे पास स्प्रिंग्स आई जो कि आपस में पैरेलल में आ गई, इनका कॉम्बिनेशन बन गया 4K। एक 4K यहाँ लगा हुआ था, 4K और 4K सीरीज में, दो एक जैसे सीरीज में, तो रिजल्ट हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स आंसर बन जाएगा 2K। तो इन दोनों की जगह मैंने यहाँ पर फिट कर दिया 2K। अब ये 2K वाला फिर से सामने वाले को स्प्रिंग बना देगा और डबल द स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो दैट मीन्स 4K बन गया। अब इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालोगे तो 4 और 4 आपस में पैरेलल में, तो ये ऐड होकर के 8K बन गया, टाइम पीरियड का वैल्यू आ गया 2π√m/8K। ये आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे हिल गए होंगे इसको देख करके, ये क्या पढ़ा दिया। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, छोड़ना नहीं है। मैंने माना इतना नहीं आता, पर इतने तक जाने के लिए इतना तो सीखना पड़ता है, तभी तो लगता है नीट लेवल आसान है, नहीं तो फिर यही कहोगे बहुत हार्ड, ठीक है ना। तो उसे आसान बनाने के लिए इतने लेवल तक हम जानते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास यूट्यूब, वी ट्यूब, बेंड ट्यूब। अब जैसे मैंने इसमें अभी यूट्यूब का रखा है, जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वी शेप की ट्यूब का रिजल्ट दे दूंगा, वो हम वहीं देख लेंगे। तो अगर हमारे पास एक यू शेप की ट्यूब है, जिसमें हम एच हाइट तक पानी भर देते हैं, तो इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला रट के रखना, कोई प्रूफ नहीं करना, प्रूविंग मैंने दिया हुआ है, जिनको इच्छा है वो देख सकते हैं प्रूविंग वाला पार्ट। तो टाइम पीरियड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला 2π√h/g, जहाँ h उसका वर्टिकल हाइट हो जाता है, ठीक है। तो ये यू ट्यूब का रिजल्ट है, वी शेप की ट्यूब का रिजल्ट मैं आपको वहीं पर दूंगा फ्लूइड मैकेनिक्स में। अब नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट रिजल्ट फिर से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अर्थ के अंदर टनल बना दी, अब ये ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ लो, यहाँ पढ़ लो, बात एक ही है, रखना दोनों जगह याद है आपको। तो प्रूविंग अगेन नहीं करनी, ठीक है ना, कोई प्रूविंग की जरूरत नहीं है। तो अर्थ के अंदर एक टनल बनाई और एक ऑब्जेक्ट को इसमें रिलीज कर दिया, तो ये ऑसिलेट करता है, और इसके टाइम पीरियड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो 2π√re/g। तो ये फिक्स्ड है, ठीक है, चेंज नहीं होता इन रिजल्ट के अंदर, कोई मॉडिफिकेशन में नहीं होते, तो आप इसको एज इट इज याद रखो, ठीक। फिर हम ग्रेविटेशन के अंदर देखेंगे कि किसी प्लैनेट के अंदर टनल बना दी तो कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, क्या तरीके रहेंगे, बट वो वहीं का पार्ट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो ये है कि अगर हम यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर
डिप कर दें, ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है ना, फ्लोट कर रहा है मतलब तैर रहा है, और इस पे नीचे लगने वाला एम जी और ऊपर लगने वाला अप थ्रस्ट आपस में बैलेंस्ड है। तो इस सिचुएशन में इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सीधे रटो इसको, 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी। तो तीन से चार चीजें रट के जानी है, बाकी दिमाग जहां लगाना है वहां मैंने आपको बता दिया। एच यहां पर सिलेंडर की पानी के अंदर की डेप्थ हो जाती है। तो अगर मान लो वो बोलता है 1/4 पोर्शन इज इमर्ज, तो हम स्मॉल एच की जगह डाल देंगे एच बाय फोर, जहां एच बाय फोर उसका एच हो जाएगा टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर और एच बाय फोर हो जाएगा उसका डेप्थ इनसाइड लिक्विड। तो मेरे ख्याल से अब आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला आसान सा है, मैनेज कर सकते हो। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अब आता है हमारे पास फिर से सिंपल पेंडुलम, नाम से भी सिंपल, काम से भी सिंपल और इसके रिजल्ट भी बड़े सिंपल। अब सीखो तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की प्रूविंग की अगेन हमें जरूरत नहीं है, तो मैं ये प्रूविंग वाला पार्ट यहां से डिलीट कर रहा हूं, आप सीधे सीधे इसका टाइम पीरियड मेरे से सीखो। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय, मैं इस जी को मॉडिफाई कर रहा हूं और इसको लिख रहा हूं जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव का कंसेप्ट मैंने आपको लिफ्ट वाले जब प्रॉब्लम पढ़ा रहा था लॉज ऑफ मोशन में वहां पे भी सिखाए थे, ठीक है ना। तो यहां पे भी आप इसको सीखो, वहां पे भी सीखो, सिंपल पेंडुलम बढ़िया सा हो जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हो गया 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या चीज है? जी इफेक्टिव उन फोर्सेस का एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, जो टॉर्क देती हैं। अब टॉर्क यहाँ कैसे लेंगे यार, आपको कोई सॉरी तो मुश्किल बन जाएगा? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। देखो ये जो टेंशन है, जैसे ये पेन मेरे हाथ में, मैंने इसको यहाँ से पकड़ लिया, अब अगर मैं फोर्स लगाऊं तो ये फोर्स इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट ला रही है, दिस टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड टॉर्क। तो ये हम रोटेशन के अंदर वैसे भी देखेंगे, रोटेशन की तो गारंटी है, आपके दोनों सवाल सही होंगे, जो दो सवाल आते हैं गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना, रोटेशन इतना मस्त हम पढ़ेंगे, बट वो मेरे पे छोड़ो, कब मैं पढ़ाऊंगा तो वो बात की बात है। फिलहाल पहले आप इसको सीखो, अगर मैंने फोर्स यहाँ पर लगा दी, हिंज पे लगा दी, तो ऐसी फोर्स कोई टॉर्क नहीं दे रही क्योंकि इसके अंदर कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आ रहा। अगर मैंने फोर्स यहाँ लगा दी और हिंज से पास करती हुई लगाई, ये भी कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं लाएगी। तो वो फोर्सेस जो हिंज से पास करती हैं वो कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं लाती। तो टेंशन देखो, अगर मैं इसको डिस्प्लेस कराऊं, अभी तो ना एमजी टॉर्क दे रहा है ना टेंशन टॉर्क दे रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों हिंज से पास कर रहे हैं, बट डिस्प्लेस, तो ये पोजीशन इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। अब डिस्प्लेस कराते हैं, आपको कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक बार ऑब्जर्व कर लोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे ही हम इसको डिस्प्लेस कराते हैं, टेंशन अभी भी हिंज से पास कर रही है, मतलब टेंशन टॉर्क नहीं दे रही, टॉर्क दे रहा है एमजी का ये वाला कंपोनेंट, और उस कंपोनेंट को यहां सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आता है जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव टेंशन को छोड़ करके, क्योंकि टेंशन कोई टॉर्क नहीं देती, तो टेंशन को छोड़ करके बाकी जो फोर्सेज हैं उनका नेट एक्सेलरेशन। तो जी इफेक्टिव इज नेट एक्सेलरेशन ऑफ दोस फोर्सेस विच गिव्स टॉर्क, विच गिव्स टॉर्क, ठीक है। अब कैसे हम इसको निकालेंगे, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस हैं, देखना। अब जैसे सपोज करो मैंने ये एफ की फोर्स लगा दी, तो ये एफ की फोर्स इसको यहां तो रखेगी नहीं, ये इसको राइट साइड पे ले जाएगी, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। अब अगर आप डिस्प्लेस करा के छोड़ोगे ना, तो ये इस तरीके से इसके अबाउट ऑसिलेट करेगा, ना कि इसके अबाउट। तो बॉडी हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगी, तो इसका ऑसिलेशन इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट होगा। अब आप चेक करो, टेंशन कोई टॉर्क नहीं दे रहा, इसको हटा दो, एफ और एम जी दोनों टॉर्क दे रहे हैं, हमें इनका नेट एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने का तरीका एफ बाई एम, तो हम इस फोर्स को मास से डिवाइड करते हैं, तो एफ का एक्सेलरेशन हो गया एफ बाई एम, इसको मास से डिवाइड करते हैं, इसका एक्सेलरेशन हो गया जी, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो जी इफेक्टिव हो गया अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, और फाइनल रिजल्ट आ गया अंडर रूट ऑफ एफ बाई एम का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब आप फॉर्मूले में डाल दो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, आपके पास टाइम पीरियड आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पकड़ते हैं लिफ्ट के अंदर, तो लिफ्ट के अंदर बैठ जाओ जाकर के, सूडो लगेगा नीचे की तरफ, जी फैक्टिव देखोगे तो वो गया जी प्लस ए, तो फाइनल रिजल्ट आ गया 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस ए। तो ये छोटे मोटे सिंपल वेरिएशन हैं, आप आराम से मैनेज कर सकते हो। लिफ्ट अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो सूडो ऊपर लगा, जी फैक्टिव आ गया जी माइनस ए, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी माइनस ए। अब लिफ्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो ऐसे में एक्सेलरेशन जीरो हो गया और जी फैक्टिव जी के बराबर हो गया, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब इसी तरीके के कुछ और रिजल्ट है, जैसे ये कार है, ये इधर एक्सेलरेट कर रही है, मैंने वहां भी बताया था आपको, फिर से यहां पर देख लो, अब सूडो लेफ्ट साइड पर लगा, तो ये तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा, इक्विलिब्रियम इधर आएगा, वो मैंने यहां पे दिखा दिया। अब जी इफेक्टिव निकालोगे तो इसका एक्सेलरेशन हो गया कि एम से डिवाइड करो ए के बराबर, और इसका एक्सेलरेशन हो गया जी, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, फिर टाइम पीरियड का रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट रिजल्ट देखना, अब हम सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट को घुमा रहे,
तो अपना क्या तरीका था, जाकर के एक्सेस पे बैठ जाओ और सूडो लगा दो। तो सूडो लग गई बाहर की तरफ, एम बी स्क्वायर बाई आर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। हमने इसका फिर से जी फैक्टिव निकाला, एक का एक्सलरेशन हो गया बी स्क्वायर बाई आर, दूसरे का हो गया जी, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। जी फैक्टिव पे वैल्यू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर, और फिर हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। तो बहुत आसान है, नाम से भी सिंपल है, काम से भी सिंपल है, कुछ नहीं दिक्कत होती इसके अंदर। अब मान लो हमने इसको पानी के अंदर डाल दिया, तो पानी के अंदर डालने पर ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट आ जाएगा। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला रो वी जी होता है, वी हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पोर्शन। अब यहां पर क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी इमर्स्ड है, तो वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पोर्शन वॉल्यूम ऑफ बॉडी के बराबर हो गया। अपथ्रस्ट का वैल्यू रो बाय सिग्मा एम जी हो गया, सिग्मा इस बॉडी का मास हो गया। अब जी फैक्टिव निकालोगे तो बचेगा जी, एम वाला पार्ट यहां से कैंसिल कर दो, जी माइनस रो बाय सिग्मा जी, यानी जी टाइम्स 1 माइनस रो बाय सिग्मा। तो पानी में डूबा हुआ सिंपल पेंडुलम, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास आता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी 1 माइनस रो बाय सिग्मा। तो अब तरस्ट आपको लिखना आना चाहिए, अगर आपको नहीं आता तो थोड़ा वेट करो, फ्लूइड मैकेनिक्स में सीखना मेरे से, ठीक है ना, वहां पे आपको सिखा दूंगा बढ़िया से अब तरस्ट कैसे लगता है। तो फिलहाल अभी के लिए आप इस रिजल्ट को या तो याद रखो, और अगर अब तरस्ट आता है तो आप कभी भी इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में आने पर कुछ खास तो नहीं, हाँ क्यू ई का एक एडिशनल फोर्स और आ जाएगा, एम जी जैसे लग रहा है वैसे ही लगता रहेगा, इसका इक्विलिब्रियम राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। जी इफेक्टिव निकालोगे तो वो हो जाएगा क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट, और आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ये था पेंडुलम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम आ जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तो एस एच एम की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो होती है सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन कहलाती है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के बाय एम, और यहीं से हमारे पास टाइम पीरियड आता है 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने पर, इंटीग्रेट करने पर, करना नहीं है, सीरियस नहीं हो जाना, नहीं आज तो इंटीग्रेट ही करके रखेंगे, नहीं नहीं करना इंटीग्रेट, बस खाली डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। इंटीग्रेट करके सॉल्व करने पर हमारे पास इक्वेशन आती है एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, जहाँ ए को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड होता है मीन पोजिशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा हो गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अंडर रूट के बाय एम। अब क्योंकि आप टाइम पीरियड जानते हो तो आप हर किसी का ओमेगा जानते हो, इसलिए मैं पहले टाइम पीरियड पढ़ाता हूँ फिर मैं इक्वेशन पे आता हूँ। टी हो गया जनरल टाइम, और फाइन आउट हो गया इनिशियल फेज। इनिशियल फेज मतलब पार्टिकल इनिशियली टी इज इक्वल टू जीरो पर कहाँ पर लोकेटेड है। तो इनिशियल फेज की बहुत डेप्थ तक रिसर्च होती है, तो ये मैंने अपने क्लासरूम कोर्सेज में वीडियो लेक्चर्स में बड़ी डिटेल में समझाया हुआ होता है बच्चों को। तो आपने अब उतनी डिटेल तो अभी देना पॉसिबल नहीं है, तो आपने जहाँ भी पढ़ रखा हो आप वहाँ पर इनिशियल फेज जरूर सीख के चलो, क्योंकि इनिशियल फेज के बिना अल्टरनेटिंग करंट नहीं होगा, इनिशियल फेज के बिना वेव नहीं होगा, इनिशियल फेज के बिना एसएचएम भी नहीं होगा। तो इनिशियल फेज पर कंट्रोल बहुत जरूरी है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में यहाँ पर आपको दूंगा। तो फाइन आउट होता है इनिशियल फेज, गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट इनिशियल पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। ओमेगा टी प्लस फाइन आउट को बोलते हैं जनरल फेज। अब चीजें ध्यान से सुनना, x इक्वल टू जीरो ये हो गया मीन पोजिशन, x इक्वल टू प्लस ए को बोलते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम, यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम होता है वो 1/4 ऑफ टाइम पीरियड होता है टी बाय फोर। तो इधर से इधर टी बाय फोर, टी बाय फोर, टी बाय फोर, टी बाय फोर, अब जाकर के एक ऑसिलेशन पूरा होता है, और एक ऑसिलेशन के टाइम को बोलते हैं 1 टाइम पीरियड। तो ये तो होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन। मान लो आपको किसी ने एग्जाम्पल दिया इक्वेशन पर बेस्ड, लेट से दैट ये एग्जाम्पल है, कहता है पार्टिकल ऑसिलेट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ए टाइम्स डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी टाइम्स एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब क्वेश्चन है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड भी कई बार सवाल आ जाता है, और इस तरीके का सवाल देख के छोड़ना नहीं है, ये तो मतलब करके ही आना है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा से हम टाइम पीरियड दे देंगे। जैसे पहले इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो पहले चेक करो यहाँ पर डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर a है, तो पहले पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करो। तो a से डिवाइड करोगे तो ये इक्वेशन बनेगी डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस b बाई a टाइम्स एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करो, जैसे ही आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा b बाई ए के बराबर। तो यहां से हमें ओमेगा स्क्वायर मिल गया विच इज इक्वल्स टू b बाई ए, ओमेगा की वैल्यू मिल गई अंडर रूट b बाई ए, ओमेगा को सब्सटीट्यूट किया 2 पाई बाई टी अंडर रूट ऑफ b बाई ए, और यहां से बेटा t का वैल्यू आ गया मेरे पास 2 पाई अंडर रूट a बाई बी। तो देखा
अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो इस तरीके से आप इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो। तो ये रिजल्ट भी हमारे एग्जाम में काम आ जाता है, कई बार इस तरीके से सवाल आ जाए तो आप उसको चार नंबर लेकर के आ सकते हो, इसमें गलती का कोई चांस होना नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, इनिशियल फेज। इनिशियल फेज कैसे बनाते हैं, क्या तरीका होता है? इनिशियल फेज इस बात पर डिपेंड करता है कि पार्टिकल इनिशियली कहां पर लोकेटेड है और किस तरफ जा रहा है। जैसे जब हम इस SHM को सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करते हैं, तो मेरी आदत है मैं वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्ट करता हूं, तो हम पार्टिकल का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के ऊपर देखते हैं। तो मान लो पार्टिकल हमारा मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा है, तो जब ये पार्टिकल मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जाएगा तो इसकी शैडो जो है यहां से यहां की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट करेगी। जैसे जैसे इसकी जैसे जैसे ये पार्टिकल यहां से ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा, इसकी शैडो इधर से इधर जाना शुरू होगी। दैट मीन्स मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जाना सर्कुलर मोशन का फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। सिमिलरली यहां से यहां आना ये सर्कुलर मोशन का सेकंड क्वाड्रेंट है। इसके लिए आपको डिटेल्ड नॉलेज की जरूरत है, जो आपने पहले से करी हुई होनी चाहिए, नहीं तो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आपको इस टाइम इनिशियल फेज 100% आना चाहिए, क्योंकि वो सिखाने सिखाने में मेरा 1-1.5 घंटा आराम से निकल जाता है, तो वो मैं अभी तो नहीं सिखा सकता आपको। तो अभी बस खाली बेसिक इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं। तो इधर सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, ये हमारे पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इनिशियल फेज होता है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पार्टिकल का एंगल। तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। इसे निकालने के लिए हमने क्या किया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, यहां से हमने कॉस थीटा की आइडेंटिटी लगाई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, मेरे पास इनिशियल फेज आ गया। तो इनिशियल फेज निकालने के लिए सबसे पहले मैंने कॉस थीटा निकाला, विच इज इक्वल्स टू एक्स नॉट बाय ए, बट ये थीटा वाई एक्सिस से है, मेरे को चाहिए एक्स एक्सिस से। तो मैंने फाई नॉट की वैल्यू पकड़ी, विच इज 90 माइनस थीटा, सब्स्टिट्यूट किया, ए साइन ओमेगा टी प्लस 90 माइनस थीटा, चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा। तो यहां से हमारे पास इनिशियल फेज भी आ गया और पार्टिकल की इक्वेशन भी आ गई। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करो हमारा पार्टिकल ये x इक्वल्स टू जीरो है, इधर जा रहा था और x इक्वल्स टू a बाई टू पर इसको देखा गया था एट टाइम t इक्वल्स टू जीरो, और हमें इस पार्टिकल की इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले हम इसे सर्कुलर मोशन में प्रोजेक्ट करेंगे, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा ये कौन सा क्वाड्रेंट है। तो मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जाना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फटाफट से पार्टिकल को फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाया, सामने शेडो पकड़ा, और ये उसकी इनिशियल वैल्यू हो गई जो कि हमें दे रखी है a बाई टू। तो ये हो गया a by 2, ये हो गया a, इस एंगल का नाम हमने थीटा किया, इनिशियल फेज x एक्सिस से एंगल होता है, इसका नाम मैंने फाइन आउट किया। पहले हम थीटा निकालेंगे, फिर 90 माइनस थीटा करके फाइन आउट निकाल देंगे। तो cos थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर हम करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू बन जाएगी 1/2, थीटा की वैल्यू बेटा आ जाएगी 60 डिग्री, इनिशियल फेज की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 90 माइनस 60 व्हिच इज 30 डिग्री। अब पार्टिकल की इक्वेशन हो जाएगी a sin ओमेगा टी प्लस 30। तो ये हुआ हमारा पार्टिकल का इक्वेशन लिखने का तरीका। तो इस तरीके से आप इनिशियल फेज निकाल सकते हो। अब इस पे बेस्ड हम पहले कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे ये पहला प्रॉब्लम, तो ये एक जनरल प्रॉब्लम है, इसमें फेज डिफरेंस पूछा जाता है दोनों पार्टिकल के बीच का। अब कैसे निकालेंगे, उसका तरीका क्या रहेगा। जैसे ये पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 टी इक्वल टू जीरो के टाइम पर देखे गए ए बाई टू के लोकेशन पर। तो सबसे पहले हम इनको प्रोजेक्ट करते हैं सर्कुलर मोशन में। तो हमारा ये जो पार्टिकल नंबर 1 है, ये पार्टिकल नंबर 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पार्टिकल नंबर 2 सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो पहले एक एक पार्टिकल देखते हैं। तो ये पार्टिकल नंबर 1 आ गया, सामने शैडो बनाई और इसकी इनिशियल लोकेशन a बाई टू है। ये एंगल हमारे, ये साइड हमारे पास a हो गई, इस एंगल का नाम हमारे पास थीटा हो गया, वैल्यू उसका अभी हमने निकाला था 60 डिग्री हो गया। इसका इनिशियल फेस फाई नॉट 1, ये मेरे पास आ गया 30 डिग्री। अब सिमिलरली पार्टिकल 2 को लोकेट करते हैं जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो फटाफट से सेकंड क्वाड्रेंट में लोकेट किया, शैडो लिया और इसका एंगल भी मेरे पास यहाँ से थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, ठीक है ना। अब इसका इनिशियल फेस लिया यानी एक्स एक्सिस से यहाँ तक का एंगल, ये हो गया फाइव नॉट टू, तो 90 प्लस 60 दैट मीन्स 150, ठीक है ना। तो ये मेरे पास इनिशियल फेज आया सेकंड पार्टिकल। ध्यान रखना इनिशियल फेज एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे या उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घुमाया जा रहा है। तो फाइव नॉट टू आ गया, फाइव नॉट वन आ गया। अब हमें फेज डिफरेंस निकालना है, तो वो हो गया फाइव टू माइनस फाइव वन, और 52 माइनस 51 की वैल्यू 150 माइनस 30, आंसर बन गया हमारे पास 120 डिग्री। तो आसान है, मुश्किल नहीं है इनिशियल फेज से फेज डिफरेंस निकालना, आप आराम से इसको हैंडल कर सकते हो। अब नेक्स्ट, हाँ, पर इसके लिए कंट्रोल होना चाहिए। तो मैंने टेस्ट सीरीज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं इनिशियल फेज के, आप वहां पर देखोगे सीखोगे आपको और अच्छा आ जाएगा समझ। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। इन स्टैंडर्ड रिजल्ट के बेसिस पर हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। अब वो रिजल्ट क्या है, जैसे मीन पोजिशन से
एक्सट्रीम पोजीशन जाने का टाइम तो हमें पता है T/4 होता है, इसके बीच में कई सारी पोजीशंस आती हैं, उनके टाइम भी हम लोग इस सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट से ही निकालते हैं, पर आपको निकालने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड रिजल्ट ही याद रखने हैं। तो 0 से A/2 और A/2 से A जाने में, ठीक है ना, तो आधा आधा जाने में जो टाइम लगता है वो आधा आधा नहीं होता, वो टाइम होता है T/12 और T/6, ये रटना है, याद रखना है। तो 0 से A/2 T/12 और A/2 से A T/6। सिमिलरली A/√2 का टाइम जो है वो आधा आधा है, T/8 और T/8। सिमिलरली √3 A/2 का टाइम देखोगे ना, तो इसके टाइम का जस्ट अपोजिट आ जाएगा और ये टाइम आ जाएगा T/6 और T/12। तो तीन पोजिशन है जिनके टाइम याद करके चलने, A/2 तो वो टाइम हो गया T/12 और T/6। T/12 बेटा ध्यान रखना मीन से A/2 तक का, उल्टा मत कर देना नहीं आंसर गड़बड़ाएंगे। तो यहां से यहां तक का टाइम T/12, नेक्स्ट टाइम T/6 और यहां से यहां तक का T/8, फिर अगला रेसिप्रोकेट हो जाएगा T/6 और T/12। अब इन पे बेस्ड हमारे टाइम के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे ये रहे, कहता है पार्टिकल इनिशियली यहां पर लोकेटेड था, तो एट T=0 पार्टिकल यहां पर लोकेटेड है, ठीक है ना। अब फाइनली पार्टिकल को देखा जा रहा है इस लोकेशन पर, तो ये पार्टिकल का सेकंड पोजीशन है और ये पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन है। तो कहते हैं X1 से X2 जाने में पार्टिकल को टाइम कितना लगा वो बताओ। अब ऐसे किसी भी प्रॉब्लम को आपको जो मैंने अभी चार्ट दिया उस बेसिस पे आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे यहां से यहां जाना, कहां से कहां जाना, A/√2 से A जाना, तो टाइम लगा T/8। अगेन A से A/√2 क्यों है, यहां तक तो सीधे ही आ जाते हैं ना, तो यहां से यहां तक का टाइम हो गया T/4। अब यहां से यहां तक का टाइम देख लेते हैं, तो अगेन 0 से A/√2 जाना, तो यहां का टाइम हमारे पास आ गया T/8। अब टोटल टाइम आप निकालोगे तो सबको ऐड कर लो, तो वो टाइम हो गया T/8 प्लस T/8 प्लस T/4 और ये बन गया T/4 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 T/2। तो टाइम का वैल्यू हमारे पास आ गया T/2। तो बिना फेजर के भी आप टाइम के ऊपर बेस सवालों को इस तरीके से आराम से कर सकते हो। अब इसमें एक पेटेंटेड सवाल है, तो ये सवाल बहुत सारी जगह पर आपको आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना, मेरे टेस्ट में भी मिल जाएगा आपको, पर मैं ऐसा तो एज इट इज तो नहीं, कुछ ना कुछ चेंज करके जरूर दे दूंगा। तो अब सवाल है, कैलकुलेट टाइम फॉर 5/8 ऑसिलेशन। अब 5/8 ऑसिलेशन क्या होता है, उसको कैसे निकालेंगे। देखो एक ऑसिलेशन होता है जब पार्टिकल पूरा ए का डिस्टेंस कवर करता है, शब्द सुनना, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होता है, डिस्टेंस ए का कवर करता है। कैसे, यहां से यहां गया, ठीक है ना, कितना कवर किया ए, यहां से यहां आया, नहीं ए का नहीं, 4a का डिस्टेंस कवर करता है। तो एक ऑसिलेशन में पार्टिकल 4a का डिस्टेंस कवर करता है, ए, ये फिर ए, फिर ए और फिर ए, तो एक ऑसिलेशन में पार्टिकल 4a का डिस्टेंस कवर करता है और डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो रहता है हमेशा, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ये भी पूछा जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब 5/8 ऑसिलेशन, तो 5/8 ऑसिलेशन क्या हुआ, तो पहले यहां से यहां तक समझो, ये हुआ 1/4 ऑसिलेशन, तो 0 से A हुआ 1/4 ऑसिलेशन। अब हमें चाहिए 5/8, तो हम इसे 1/8 में डिवाइड कर देते हैं। तो एक ऑसिलेशन में पार्टिकल ने जो दूरी कवर करी 4a की कवर करी, 5/8 या फिर ऐसे बोलूं 1/8 ऑसिलेशन में पार्टिकल ने दूरी कवर करी 4a/8, दैट मींस A/2 की, तो हर 1/8 में पार्टिकल दूरी कवर कर रहा है A/2 की। तो चलो गिनती शुरू करते हैं, ये गिवन होना चाहिए क्वेश्चन में कि पार्टिकल अपनी जर्नी मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, और अगर नहीं करेगा तो चीजें चेंज हो सकती है। तो पार्टिकल ने अपनी जर्नी मीन पोजीशन से स्टार्ट करनी है, तो हमें 5/8 तक जाना है, तो यहां से यहां तक हुआ 1/8, फिर 1/8 मतलब 2/8 हो गया, 3/8, 4/8 और 5/8। तो अब हमें यहां तक का टोटल टाइम कैलकुलेट करके देना है, ठीक है ना। अब मान लो अगर आपसे पूछा जाता पार्टिकल का 3/8 ऑसिलेशन का टाइम कितना होगा, तो 1/8 का तो आप निकाल ही चुके, 1/8 1/8 1/8, तो यहां तक हो गया 3/8, ठीक है ना। आप कितने भी जा सकते हो, 7/8 तक जाना है तो 5 तक तो आ गए, 6 एक राउंड और ले लो इधर तक का, 7/8 हो गया। तो इस तरीके से आप इस स्पेशल प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हो, ठीक है ना। अब आगे सुनो, तो यहां से यहां तक का टाइम, अब ये बड़े संभाल करके यूज करनी है वैल्यू, तो 0 से A/2 का टाइम T/12, यहां से यहां तक का T/6, ठीक है ना, A/2 से A तक का, A से A/2 तक का अगेन T/6, T/12 नहीं है, ठीक ना, गड़बड़ मत कर देना, A/2 से A तक का, A/2 से लेकर के मीन तक का टाइम T/12, और फिर मीन से A/2 तक का अगेन T/12। तो टोटल टाइम अगर आप कैलकुलेट करोगे फॉर 5/8 ऑसिलेशन, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा, सबको अब आपको सम करना पड़ेगा, ये प्लस ये प्लस ये, तो इसमें तीन तो ये हैं T/12 वाले,
और दो हैं टी बाय सिक्स वाले। अब सिंप्लीफाई कर दें तो इधर मिला टी बाय फोर और इधर मिल गया टी बाय थ्री, और इसको आप ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा 7t/12। तो आंसर आ गया मेरे पास 7t/12। तो टाइम टेकन फॉर 5/8 तो ऑसिलेशन इज 7t/12। ये भी वन ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है, इस तरीके का प्रॉब्लम भी नीट एग्जाम में दिख सकता है क्योंकि इक्वेशन पे बेस्ड अच्छा प्रॉब्लम था। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आते हैं हम वेलोसिटी की इक्वेशन पर। तो पोजीशन की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, काइनेमेटिक्स आप पढ़ी चुके हो, तो डिफरेंशिएट करने से हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी। सबसे मेन खेल इस इक्वेशन का होता है, तो ये हो गई v वर्सेस x की वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन की इक्वेशन। तो किसी भी पोजीशन पर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आप इस इक्वेशन को यूज करो, v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इस इक्वेशन के हिसाब से देखोगे तो मीन पोजीशन पर आपको वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम मिलेगी और वो a ओमेगा के बराबर होगी। एक और चीज मैं यहां पर बना रहा हूं वो है vx ग्राफ। अब vx जो ग्राफ है वो कैसा होता है, इसका क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल का माना जाता है, अब कैसा बनता है वो जरा ध्यान देना। तो अगर मेरे को vx का ग्राफ बनाना है तो पहले मैं इस इक्वेशन की स्क्वायरिंग करूंगा, तो मेरे पास आ गया v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है ना, ध्यान से देखना, v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक, अब आगे सुनो, अब मेरे को v वर्सेस x चाहिए तो x वाला टर्म x के साइड ले आते हैं, तो v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसको पूरे को नीचे ले आओ तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय a ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर यहां से कटेगा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये बन गया y स्क्वायर बाय v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और ये इक्वेशन होती है एलिप्स की, यानी v वर्सेस x का जो ग्राफ होता है एलिप्स के जैसा होता है, इसलिए जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा जो कि एलिप्टिकल शेप का होगा। तो इधर आ गया v, इधर आ गया x, ये जगह हो गई प्लस a, ये जगह हो गई x इक्वल टू 0, ये जगह हो गई मेरे पास माइनस a। x इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, राइट साइड की तरफ मैक्सिमम होगी a ओमेगा और इधर हो गई माइनस a ओमेगा। तो ये v वर्सेस हमारे पास x का ग्राफ आता है, तो कभी पूछा जाए एग्जाम में v वर्सेस x ग्राफ कैसा होगा, सीधे टिका दो कि एलिप्टिकल ग्राफ होगा और वो एलिप्टिकल ग्राफ हमारा इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, जिसमें ये हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी इंडिकेट करेगा, ये हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को इंडिकेट करेगा। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड, ये हो गया वेलोसिटी वाला पोर्शन। तो दैट मीन्स ये चीज a ओमेगा, ये ध्यान रखना, कभी एग्जाम में पूछ ले तो रो मत देना, ये चीज हमारे पास a के बराबर है। तो ये a ओमेगा हो गया, ये a हो गया। तो अगर आपको ये चीज दे रखी है दैट मीन्स सीधे सीधे मैक्सिमम वेलोसिटी हमें दे रखी है, ये दे रखा है तो आपको सीधे सीधे एम्पलीट्यूड दे रखा है। अब इस पे बेस्ड एक सवाल देखो, जैसे एग्जांपल दे रखा है, कहता है NSHM, मैं ग्राफ का ही एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, ध्यान देना, v वर्सेस x का ग्राफ आपको कुछ इस तरीके का दे रखा है। यहां x की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर और यहां पर आपको वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन दे रखा है फाइंड टाइम पीरियड, आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है। तो इस टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को कैलकुलेट, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सवाल खत्म। ये x इक्वल्स टू 5, ये और कुछ नहीं, ये a की वैल्यू हो गई। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, ये हो गई a ओमेगा की वैल्यू, a ओमेगा की वैल्यू हो गई 2.5 यूनिट हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड। यहां से a सब्स्टिट्यूट करते हुए हम ओमेगा निकाल लेंगे, तो a ओमेगा का वैल्यू हो गया 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, a की वैल्यू डालो 5 सेंटीमीटर इंटू ओमेगा इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ से हमारे पास ओमेगा आ गया विच इज 1/2 और यूनिट हो गया इसका ओमेगा का रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा को आप डालोगे 2π/T इक्वल्स टू 1/2, टी की वैल्यू आ गई 4π, यूनिट हो गया सेकेंड। देखा कितने आसानी से हम लोगों ने एक्लिप्स के सवाल को भी बड़े प्यार से निपटा दिया। तो ये भी आपका वेलोसिटी का इक्वेशन पे बेस्ड एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। मेरे ख्याल से अब आपको एलिप्स से डर नहीं लगेगा, आप आराम से हैंडल कर सकते हो मैक्सिमम वेलोसिटी के कंसेप्ट को। चलते हैं आगे, अब हमारे पास आता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। ये आपके नीट एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है तो दोबारा से एक जैसी चीज तो नहीं पूछने चाहिए, बट फिर भी प्रैक्टिस करके चलते हैं ताकि आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए। अब सुनो, इसमें क्या होता है, दो इक्वेशन दो अननोन के ऊपर बेस्ड ये प्रॉब्लम होता है, आप आराम से हैंडल कर सकते हो। पहले मैं तरीका सिखाऊं, हमें दो डिफरेंट पोजीशंस पर पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन होती है और हमसे पूछा जाता है एम्पलीट्यूड बताओ टाइम पीरियड बताओ। अब करना क्या होता है, पार्टिकल की वेलोसिटी की इक्वेशन लिखी, v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। रट्टे मत मारना, सॉल्व करना पड़ेगा, एक से डेढ़ मिनट लगेगा ये मान के चलना, और इतना टाइम आपके पास है तो इस प्रॉब्लम में आप इन्वॉल्व होना, वरना लास्ट में इसको अटेम्प्ट करना।
पहला काम इसकी स्क्वायरिंग कर लो. तो जैसे ही हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो पहली इक्वेशन बन जाएगी एट पोजिशन एक्स वन वेलोसिटी वी वन स्क्वायरिंग करने पर बना वी वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. दूसरी इक्वेशन स्क्वायरिंग कर ली यानी v और x की जो दो इक्वेशन दो अननोन है दोनों को स्क्वायर करके आपने लिख लिया. अब क्या करना है, खेल बड़ा आसान है. अब आपको दो वेरिएबल निकालने हैं, कौन कौन, ओमेगा और a. ओमेगा में छुपा हुआ है टाइम पीरियड, a तो एम्पलीट्यूड ही है. तो दो काम करने हैं, एक तो डिवाइड करना है. डिवाइड करने से ओमेगा एलिमिनेट हो जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा. ये तो गंदा सा है पर यही रिजल्ट आपके हमें पूछा गया था, तो रटने की जरूरत नहीं है. सिंप्लीफिकेशन आप इसका देख सकते हो. तो तरीका ध्यान रखना है, स्क्वायर करके डिवाइड करना है. डिवाइड करने से एम्पलीट्यूड आ जाएगा. अब पुट नहीं करना है, बाहुबली नहीं बनना, नहीं हम एम्पलीट्यूड पुट करेंगे, हम तो आज इसको सॉल्व करेंगे, सुबह से शाम बीत जाएगी, नहीं करना. सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने से ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा. तो आप इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करते ही यहां से चला जाएगा और देखो आसानी से हमारे पास ओमेगा यानी टाइम पीरियड का रिजल्ट आ जाएगा. तो ध्यान रखना, दो इक्वेशन दो अननोन टाइप का ये प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुका है जनरलाइज वे के फॉर्म में, इसमें दोबारा आने का चांस कम है, इसलिए मैंने आपको इलिप्स वाला पढ़ा दिया. अब नेक्स्ट देखो, अब ये रहा प्रॉब्लम, कहता है 1 सेंटीमीटर पर वेलोसिटी 3 है. तो फटाफट से इक्वेशन लिखी, स्क्वायर मैंने पहले ही कर रखा है, अब डाटा सेट करते हैं. वेलोसिटी 3 तो ये बना 9 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. दूसरी इक्वेशन बनी 1 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 4. अब क्या करना है, अब दोनों को डिवाइड करना है. तो डिवाइड किया तो 9 ये कट गया, ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस 4. अब देखो कितना आसान सा दिख रहा है, वहां पर जनरलाइज था इसलिए इतना बल्कि रिजल्ट हो गया था. अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सिंप्लीफाई कर लो. तो 9 ए स्क्वायर माइनस 36 ए स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर वाला टर्म इधर लाओ तो ये बना 8 ए स्क्वायर इक्वल्स टू 35. तो बेटा ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 35/√8. अब a आ गया, अब दूसरी स्टेप पर आओ. अब दूसरी स्टेप है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, किसी में से किसी को कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सब्ट्रैक्ट करने पर ये टर्म कैंसिल हो जाएगा. तो 9 माइनस 1 इधर बचा 8 और यहां पर आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू 1 और यहां पर आ गया प्लस का 4 ओमेगा स्क्वायर. तो अल्टीमेटली बचा 3 ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 8. ओमेगा का वैल्यू आ गया √8/3. अब ओमेगा की जगह 2π/t डालो, आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा. तो इस टाइप का प्रॉब्लम भी आप हाथ जरूर सेट करके रखो, छोड़ के नहीं जाना, करके जरूर जाना है. अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके आ जाता है और फाइनल रिजल्ट एक्सेलरेशन का आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ठीक है ना, अब हम इसके अंदर इसके एप्लीकेशन पार्ट की तरफ चलते हैं. तो देखना, तो एप्लीकेशन बड़ा आसान सा है और मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सेलरेशन के ऊपर बेस्ड हमारा एक सिंपल सवाल रहता है. तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है मीन पोजीशन पर और मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होता है, अच्छा ये माइनस साइन ये दिखाता है कि हमेशा एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड रहेगा, दैट मींस मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगा. तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन पर आपको देखने को मिलेगी. अब इस पे जो प्रॉब्लम होता है वो भी दो इक्वेशन दो अननोन टाइप का, वो मैंने यहां रख दिया प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन. तो सीधे सीधे मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सेलरेशन गिवन होते हैं, फटाक से हमने फॉर्मूला और ओमेगा और ए निकालना होता है. तो फ्री का सवाल है, चार नंबर ले लो, इसमें क्या जा रहा है. ए मैक्स का फॉर्मूला लगाया, वी मैक्स का फॉर्मूला लगाया, डिवाइड मार दिया, डिवाइड करके ए गायब हो गया, ओमेगा आ गया यानी टाइम पीरियड आ गया. फिर चाहिए तो पुट कर लो, एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी. तो इस तरीके का सिंपल प्रॉब्लम आपको एग्जाम में मिल सकता है जो वी और ए की इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है. जैसे ये रहा, कहता पार्टिकल परफॉर्म SHM विद मैक्सिमम वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो वी मैक्स दे रखा है, ए मैक्स दे रखा है, हमें पता करना है एम्पलीट्यूड और हमें पता करना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. फटाफट से दोनों इक्वेशन लिखी, डिवाइड मार दिया, डिवाइड करने से हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई और फिर सब्स्टिट्यूट कर दो. ठीक है ना, यहाँ स्क्वायर करके डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ तरीके हैं जिससे आप कर सकते हो, जो अच्छा लगे आपको मेथड यूज कर लो, आपके पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा. तो ये हमारे पास एक सिंपल बट काम का प्रॉब्लम रहा. अब नेक्स्ट देखते हैं, ग्राफ भी बड़े आसान है. एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो इसका ग्राफ हमारा मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इनिशियल फेज इसका जीरो है. ठीक है ना, और प्लस ए की तरफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, जीरो से ए जाना, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ. सिमिलरली डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. ठीक ना, आप कॉस कॉस क्या होता है, 90 डिग्री आगे होता है साइन से, इसलिए इसका ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है. तो अगर आप इसके और इसके बीच का फेज डिफरेंस देखोगे, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2. तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और पोजिशन के या डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो है पाई बाय 2.
अब यहां से यहां चलते हैं, तो ये तो गलत इक्वेशन है, मैंने पहले ही हटा दी, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाएगी, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई, और इसके बीच का फेज डिफरेंस भी हमारे पास कितना है, पाई बाय टू। तो जरा तीनों चीजों को चेक करो, तीनों के बीच का जो सक्सेसिव फेज डिफरेंस है वो पाई बाय टू है, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बीच का फेज डिफरेंस पाई बाय टू, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच का पाई बाय टू, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच का पाई हो जाएगा। तो अब आप चेक करके देखो, इसके स्टैंडर्ड ग्राफ है, ये आपको किसी भी किताब में इजिली अवेलेबल होंगे, ठीक है ना, और मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा फेज डिफरेंस का इसमें कंसेप्ट बताना था मेरे को। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये मेरे कुछ स्पेशल प्रॉब्लम है जो जनरली एग्जाम के अंदर मिलते हैं, इनको मैं करना सिखा रहा हूँ, दो स्पेशल प्रॉब्लम है, फंस जाने चाहिए नीट एग्जाम में आपके, और आपको करके आ जाना चाहिए। ये रहे दोनों के दोनों प्रॉब्लम, अच्छी तरह देख लो, ठीक है ना, आपको हर जगह मिले होंगे, या तो आपने छोड़े होंगे या आपसे हुए नहीं होंगे, ठीक है ना, तो दो ही काम है। अब कैसे इसको अटैम्प्ट करते हैं वो सुनो। पूछा है ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन परफेक्टली इलास्टिक। अब हमने अभी कोलिजन तो नहीं पढ़ा, पर इतना तो उम्मीद है कि आपने इलास्टिक कोलिजन तो सुन ही रखा होगा, क्या होता है उसमें कहीं एनर्जी लॉस नहीं होता, वेलोसिटी एज इट इज रिबाउंड होकर के मिल जाती है। अब समझो इसको खेल को, एक ऑसिलेशन का हमें टाइम पीरियड निकालना है, एक ऑसिलेशन तब होगा जब पार्टिकल सेम जगह पर आएगा और सेम डायरेक्शन में जाता हुआ मिलेगा। अब सीखना बेटा, तो सबसे पहले यहां से चला हुआ पार्टिकल जो v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ये स्प्रिंग को कंप्रेस करता हुआ ले जाएगा, और ये वो जगह है जहां स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगी, ठीक। तो x इक्वल्स टू जीरो से चला और यहां पहुंच करके इसका वेलोसिटी जीरो हो गया प्लस a, तो मीन से लेकर के एक्सट्रीम तक ये पार्टिकल हमारा मूव किया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखते जाना, फिर क्या होगा, फिर ये पार्टिकल तो पहले इधर से इधर गया और फिर ये दोबारा से लौट करके इधर से इधर आएगा, मीन से एक्सट्रीम। अब कैसे आप टाइम निकालोगे, चलो उसका सस्पेंस मैं धीरे धीरे बताता हूं, एकदम से बता दूंगा तो मजा खराब हो जाएगा। अब क्या हुआ, ये पार्टिकल वापस यहां लौट करके आया, तो यहां से यहां लौट करके आया, ऊपर से भी मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, चलो जाओ, तो पार्टिकल यहां से यहां लौट करके आया, तो पहले यहां से यहां गया मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से वापस लौट करके मीन आया। अब ये पार्टिकल वापस से उसी स्पीड से लौट आया जिस स्पीड से ये गया था। अब क्या होगा, ये पार्टिकल यहां पर आगे कंटिन्यूअसली, क्योंकि रफ सरफेस स्मूथ है हमारा, तो कंटिन्यूअसली आगे की तरफ जाता रहेगा, जाएगा दीवार से टकराएगा, जिस स्पीड से टकराया उसी स्पीड से वापस आएगा, और वापस उसी स्पीड से इसलिए आएगा क्योंकि कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। फिर वापस ये पार्टिकल हमारा इस पोजिशन में पहुंचेगा, अब जाकर के इसका एक ऑसिलेशन पूरा हुआ। तो एक ऑसिलेशन पूरा करने में इसने क्या क्या किया, चलो इसको देखते हैं। एक ऑसिलेशन पूरा करने में इसने सबसे पहले स्प्रिंग को कंप्रेस किया, फिर स्प्रिंग रिलैक्स हुआ, फिर ये दीवार तक गया, फिर वापस लौट करके आया। तो अब इसका एक ऑसिलेशन पूरा हुआ, यहां तक के टाइम को हम बोलेंगे वन टाइम पीरियड, ठीक है ना। अब मैं ये सारे पिक्चर्स डिलीट कर रहा हूं और इनकी जगह यहां पर टाइम पीरियड में कैलकुलेट करके दे रहा हूं। तो देखना यहां से यहां, और बहुत आसान है, अब देखना जरा कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां से यहां तक जाने का टाइम हो गया टी बाय फोर, क्यों, मीन से एक्सट्रीम है, यहां से यहां तक आने का टाइम भी टी बाय फोर। अब समझो, अब इधर से इधर जाते वक्त स्प्रिंग तो अटैच्ड है नहीं, पार्टिकल तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो इधर से इधर का टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये डिस्टेंस मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है डी, तो टाइम हो गया डी बाय वी। सिमिलरली यहां से यहां तक लौट के आने का टाइम हो गया फिर से डी बाय वी। अब वन ऑसिलेशन का अगर आप टाइम निकालोगे तो वो टोटल टाइम के बराबर हो जाएगा, तो टी बाय फोर प्लस टी बाय फोर प्लस टू टी नॉट। अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो टी बाय टू प्लस टू टी नॉट। अब डाटा सेट करो, टी यानी स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, तो इसकी जगह आपने डाला 2 पाई अंडर रूट एम बाई के प्लस 2 टी नॉट, टी नॉट की जगह मेरे पास आ गया डी बाई बी। और सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा मेरे पास पाई रूट अंडर एम बाई के प्लस 2 डी बाई बी। तो ये हुआ इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अगर एग्जामिनर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछे तो उल्टा कर दो, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये भी एक काफी अच्छा प्रॉब्लम था जो आपने सीखा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, तो यहां पर इस पेंडुलम को एल लेंथ का हमारे पास थ्रेड है, इसको हम यहां से छोड़ देते हैं, और छोड़ने पर ये पार्टिकल जाता है दीवार से टकराता है, कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक, हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो जिस जगह से हमने छोड़ा ये इसका एक्सट्रीम हो गया, इधर से इधर तक गया, किधर से किधर तक गया, एक्सट्रीम से मीन तक गया, टाइम हो गया टी बाय फोर, फिर यहां से यहां गया। अब जरा आप इस एंगल का लफड़ा देखो, ये एंगल इसका एम्पलीट्यूड हो गया, एंगुलर एम्पलीट्यूड इसको बोलेंगे, और ये क्या हो गया 3 डिग्री, 3 डिग्री उसका आधा,
तो जरा चेक करो, 0 से 6 डिग्री, तो जैसे 0 से a जाता है बिल्कुल वैसे ही अब 0 से 6 डिग्री, ठीक है ना। और खैर अब 0 से 6 डिग्री तो नहीं, अभी 6 डिग्री से 0 आ रहा है, फिर इधर 0 से 3 डिग्री यानी 0 से a by 2 गया, तो 0 से a by 2 जाने का टाइम हो गया t by 12, फिर a by 2 से लौट करके वापस 0 पर आया, फिर से टाइम हो गया t by 12। तो ये ट्रिक इस सवाल के अंदर छुपी हुई थी, और फिर लौट करके इधर गया तो ये हो गया t by 4। टोटल टाइम हमने कैलकुलेट किया तो वो हो गया 2t/4 + 2t/12, तो फाइनली रिजल्ट आ गया हमारे पास 8t/12, दैट मींस 2t/3। अब t की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी 2πL/g, फाइनल आंसर आ गया 4π/3√L/g। तो ये भी एक काफी अच्छा प्रॉब्लम था, इस तरीके का प्रॉब्लम भी जनरली बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि पता नहीं होता कैसे करना है। अब आगे चलते हैं, अब ये आती है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशंस जिनको आप याद रख सकते हो, सवाल लगा सकते हो। अब जैसे वेलोसिटी की इक्वेशन तो अभी तक आपको याद हो गई होगी, ω√a²-x², तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में हमने वेलोसिटी की इक्वेशन डाल दी, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, ठीक है ना। अब यहां पर एक सवाल पूछा जाता है काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बता दो, तो ये फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा को हम लीनियर पावर में लाते हैं, 1 - 1 + cos 2θ / 2 से। आपको नहीं करना, आप सीधे याद रखो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी की डबल होती है, ठीक है। शब्द ध्यान से सुनना, एज इट इज पूछा जाएगा बिना मॉडिफिकेशन का, सीधे टिक मारना है। तो फ्रीक्वेंसी डबल, टाइम आधा। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी का पहला फॉर्मूला याद करो, तो वो हो गया ½m(ω²a²-x²। इससे आप किसी भी पोजिशन पर काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये हमारे पास है ½kx², k की जगह हमारे पास m(ω²) आ गया। कहाँ से आ गया? ओमेगा क्या था? √k/m, तो वहां से k की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट करी, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी ½m(ω²x²। अब दोनों को ऐड किया तो मैकेनिकल एनर्जी आ गई जो कि इस प्रोसेस में कंजर्व्ड है और जिसकी वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट है, तो मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू आ गया मेरे पास ½m(ω²a²। ग्राफ देखोगे तो ग्राफ में नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, ये मैंने एक जनरल चार्ट दिया हुआ है। तो अगर आपको x = -a/2 पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो आप क्या करो, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में वो वैल्यू डाल दो, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है उसके अंदर x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। तो आप इस चार्ट के हिसाब से किसी भी पोजिशन पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। एक बात का ध्यान रखना कि इसमें हमने अज्यूम करा हुआ है कि मेन पोजिशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट 99% केसेस में मेन पोजिशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। अगर नहीं होती तो फिर ये फॉर्मूले पोटेंशियल एनर्जी के चेंज हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी के एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये कोई एवरग्रीन ट्रूथ नहीं है कि मेन पोजिशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो, दिस मे और मे नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। अगर यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट होगी तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर जाएगी ½m(ω²a²+u0, ठीक। और सिमिलरली यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी भी उसी हिसाब से चेंज कर जाएगी। तो ये ध्यान रखना, अगर यहाँ जीरो है देन वहां का पोटेंशियल एनर्जी ½m(ω²a² है जो कि मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है। तो मेन पोजिशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तब एक्सट्रीम पोजिशन की पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के बराबर है, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक। बट काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई रिजल्ट इंप्लीमेंटेशन में नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी का ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, नहीं। काइनेटिक एनर्जी एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती है, उसका पोटेंशियल एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। तो पॉइंट ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी से सवाल करोगे हमेशा सही जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट देखोगे तो उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा मेन पोजीशन पर जीरो है या नहीं है। अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो फिर हम जीरो नहीं लेते हुए चलते हैं, और अगर हमें इक्वेशंस गिवन हो पोटेंशियल एनर्जी की तो फिर हमें इक्वेशन के हिसाब से डील करना पड़ता है। जैसे पहले ये ग्राफ निपटा लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि दोनों में एक्स स्क्वायर का फंक्शन चल रहा है तो दोनों के ग्राफ पैराबोला मिलेंगे, तो एक का ग्राफ अपवर्ड पैराबोला, एक का ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया, दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं a/√2 पर, तो a/√2 वो जगह है जहां टाइम भी आधा आधा होता है t/8, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी मैकेनिकल की आधी आधी होती है, मैकेनिकल एनर्जी ये रही। अच्छा, वर्सेस टाइम का ग्राफ देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी में कॉस स्क्वायर आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में साइन स्क्वायर आ रहा है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, काइनेटिक का टॉप से स्टार्ट होगा। तो ये आसान सा वर्जन है, अब आप PDF नोट जो आपके ऐप के अंदर आएंगे तो उसके अंदर आप देख लेना, पूरी थ्योरी मैंने दे रखी है। नेक्स्ट, अब ये देखो, ये प्रॉब्लम का प्रूफ मैंने यहां पर दिया हुआ है, बट जैसे मैंने बोला प्रूफ की आपको जरूरत नहीं रहेगी, बट फिर भी अगर आपको देखना है तो आप जरूर देख लेना। तो ये कहता है पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल आर्मिंग मोशन विद फ्रीक्वेंसी एफ, तो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी हमें एफ दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी एट विच इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू पोटेंशियल एनर्जी, तो किस फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, अब ऑसिलेट करके वो जा किस में रही है, काइनेटिक का कन्वर्जन पोटेंशियल में हो रहा है, का आंसर हो गया 2f, ठीक है ना। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर मारना होता है, कोई प्रूविंग की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विल बी इक्वल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज. तो ये वही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कहां पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होंगे तो हमने ग्राफ में ही देख लिया था a बाय रूट टू पर. बट फिर भी अगर हमें सॉल्व करना है तो हम इक्वेशन से सॉल्व करेंगे. के बराबर यू डाला, के की जगह हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यू की जगह आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. सिंप्लीफाई करते हैं, ये यहां से गया तो ए स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, और x की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई a बाय रूट टू प्लस और माइनस. तो ये वो जगह है जहां पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल है. तो इस तरीके से कुछ आसान प्रॉब्लम हमारे एनर्जी के इक्वेशन पर बेस्ड होते हैं जिनको अब आप फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट देखना. नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब ये है यहां ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, रोते हैं, बेचारों के आंसू आते हैं, डैम्ड ऑसिलेशन के सवाल नहीं होते. तो डैम्ड ऑसिलेशन के सवाल को करने का एक स्पेशल टेक्निक है. देखो डैम्ड ऑसिलेशन का केस नीट में तो नहीं आया, ठीक है ना, पर एम्स में ऐसा कोई साल नहीं गया जिस साल उसने पूछा ना हो. तो अब खैर एम्स तो रहा नहीं, तो आप नीट के हिसाब से डैम्ड ऑसिलेशन तैयार करके जाओ, छोड़ के मत जाओ, क्योंकि आ गया तो आपसे नहीं होना सवाल, ये आप तय मान के चलो. तो मैं आपको तरीका सिखा दूंगा, आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है ना, बहुत ही आसान है. आपको किसी एक्सपोनेंट से भिड़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक्सपोनेंट से बचाते हुए बड़े प्यार से निकाल के ले जाऊंगा, ठीक है ना. तो आप देखना कैसे हम एक्सपोनेंट से बचते बचाते रास्ता बनाते हुए चलते हैं, तो सीखो. तो डैम्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, अब जैसे ही हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसको हमने पानी में डाल दिया, ऑसिलेट करा के छोड़ा, तो विस्कस फोर्सेस की वजह से इसके एम्पलीट्यूड समय के साथ साथ कम होते चले जाते हैं. तो इक्वेशन रटी हुई रहनी चाहिए. तो डैम्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड की इक्वेशन होती है a इक्वल्स टू a नॉट e की पावर माइनस b बाय 2m इनटू t, जहां b को बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट, ठीक है ना. m हो गया पार्टिकल का मास, तो पहले एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला रटो. तो a बराबर a नॉट e की पावर माइनस b बाय 2m इनटू t. सॉल्व करना मेरे पे छोड़ो. पार्टिकल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास ये आता है अंडर रूट ऑफ के बाय एम. के बाय एम को नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी बाय 2m का होल स्क्वायर. थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है इसकी. अब थ्योरी में तीन पॉइंट आते हैं, अगर b by 2m less than omega naught है, तो ऐसे में बोलते हैं under damped oscillation है, particle अच्छी खासी देर तक oscillate करेगा, धीरे 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 समय के साथ उसका amplitude zero होगा. b by 2m equal to omega naught है, तो ऐसे को बोलते हैं critically damped, खींच करके आपने छोड़ा, particle mean position पे आकर रुक जाएगा, oscillate नहीं कर पाएगा. b by 2m greater than omega naught होगा, तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग over damped, ऐसे में भी particle oscillate नहीं करता, ये particle आकर के रुक जाता है. अब इनका आपको ये ग्राफ दिमाग में सेट करके जाना है. तो ये हमारा जो ब्लू कलर का ग्राफ है, ये ग्राफ है हमारा अंडर डैम्प्ड के लिए, जिसमें आप देख रहे हो बहुत सारे ऑसिलेशन हो रहे हैं. ये बी जो है ये क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए, और ये हमारा ओवर डैम्प्ड का है. तो इन तीनों को आपको याद करके जाना है, या आपको छोड़ के नहीं जाना, थ्योरी शीट में आपको मिल जाएंगे. डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर तीनों की दे रखी हैं. अब आप न्यूमेरिकल पर फोकस करो. अच्छा एक और चीज, मैकेनिकल एनर्जी वैसे पूछी तो नहीं गई कभी, बट फिर भी याद करते हैं. तो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम. अब क्योंकि एनर्जी इसमें लॉस होती चली जाती है, तो उसका लॉस कैसे होगा, तो वो निकालने के लिए हम एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं. एम्पलीट्यूड का इक्वेशन है ए नॉट ई की पावर माइनस बी बाय 2m इनटू टी. तो सब्सटीट्यूट किया हमने एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, तो बन गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ई की पावर माइनस बी बाय, अब वो 2m में से वो 2 वाला पार्ट कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो गया, ये ध्यान रखना. तो मैकेनिकल एनर्जी की इक्वेशन आ रही है ई नॉट ई की पावर माइनस बी बाय एम इंटू टी, वहां बी बाय 2m एम्पलीट्यूड में, यहाँ बी बाय एम, यहाँ ई नॉट को बोलते हैं मैक्सिमम मैकेनिकल एनर्जी. तो मैकेनिकल एनर्जी भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती चली जा रही है टाइम के साथ साथ. अब न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं आ जाओ. फोर्स्ड ऑसिलेटर को बाद में देख लेते हैं, इसकी वैसे भी हमें थ्योरी याद करके जानी है. अच्छा अब आप न्यूमेरिकल पे आओ, ठीक, ध्यान से देखना कैसे एक्सपोनेंट से बचते हैं हम एसएचएम के अंदर, ये अब आपके लिए आज का स्पेशल पार्ट रहेगा, सीखना. द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर बिकम्स 1/3 in 2 seconds. अच्छा आपने मेरे से रेडियो एक्टिविटी पढ़ा, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, बस खाली बचना है एक्सपोनेंट से. अब मैं बार बार बोल रहा हूँ बचना है, तो कैसे बचेंगे, ठीक है ना, तो उसका इलाज सुनो. पहले हमने एम्पलीट्यूड की इक्वेशन लिखी, जैसा वो कह रहा है वैसा करते जाओ. कहता है एम्पलीट्यूड बिकम्स 1/3 in 2 seconds, तो एम्पलीट्यूड की जगह बेटा हमने डाला ए नॉट बाई 3. ध्यान से देखना, ए नॉट ई की पावर माइनस बी बाय 2m, और कितने टाइम में, 2 seconds में. अब कई बच्चे क्या होते हैं, यहाँ बिड़ जाते हैं, नहीं जी हम तो लॉग लेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, उनसे सवाल नहीं होता, फंसा पड़ा रहता सवाल, कुछ नहीं करना, ठीक है ना, एक्सपोनेंट को छूना भी नहीं, पड़ा रहने दो. ए नॉट कटा, तो 1/3 e की पावर माइनस बी बाय 2m इंटू 2, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है.
अब वो बोल रहा है इट्स एम्पलीट्यूड आफ्टर 6 सेकंड, तो 6 सेकंड बाद एम्पलीट्यूड बताओ कितना हो जाएगा, जिसमें हमें ये एन की वैल्यू निकाल के दे रही है वो हम ढूंढ लेंगे। तो हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली एम्पलीट्यूड आफ्टर 6 सेकंड, तो चलो ढूंढते हैं। ध्यान से देखना आप, यहीं पर बस रास्ता मिल जाएगा आपको, ई की पावर माइनस बी बाई टू एन इंटू 6। अब हमारे पास वैल्यू, अब हमें e की पावर, मैंने जैसा बोला था एक्सपोनेंट से बचने का रास्ता मैं आपको दे रहा हूं, देखो e की पावर माइनस बी बाई टू एम इंटू 2 का वैल्यू अवेलेबल है 1/3, पर हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए e की पावर माइनस बी बाई टू एम इंटू 6 का वैल्यू। क्या करना चाहिए? तो इसे निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है, हम इस 2 को 6 बनाना चाहते हैं, तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि ये 6 बन जाएगा? तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या बन जाएगा? 6। और अगर नहीं क्लिक किया कि कैसे करेंगे, तो फिर कोई बात नहीं, आप यहां से इसको पकड़ो और ये पावर उल्टा करके यहां पर ले जाओ, तो 1/3 की पावर 1/2 इक्वल्स टू ई की पावर माइनस बी बाई टू एम। अब इसको यहां पर सब्सटीट्यूट कर दो, आपका सवाल कंप्लीट, देखते जाना। तो ए इक्वल्स टू ए नॉट, इतनी वैल्यू मैं यहां सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, ये पावर बाहर ही रखते हैं, और इतनी वैल्यू मेरे पास है 1/3 की पावर 1/2, और बाहर हो गया 6, ये कटा आया ना देखो अपने आप 3, तो ए का रिजल्ट आया ए नॉट डिवाइडेड बाई 27, और 3 की पावर 3 27 हो गया, तो आंसर मिल गया हमें, द वैल्यू ऑफ n इज यहां पर हो गया 27 के बराबर, 27 हो गया, दैट मींस 3 का क्यूब, तो इसका आंसर होना चाहिए फिर फोर्थ वाला, तो ये फोर्थ इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये मैं यहां से हटा दे रहा हूं। तो ऑप्शन आया मेरे पास 1/n टाइम्स ओरिजिनल एम्पलीट्यूड, दैट मींस 1/27 हो गया, दैट मींस आंसर हो गया a0/27 यानी 3 का क्यूब। चलो आगे चलते हैं, एक और सवाल देखते हैं। अब फिर से देखो, अब आप दिमाग लगाओ, ठीक है ना, और फिर मेरे को सिखाओ। तो यहां पर हमें एम्पलीट्यूड की इक्वेशन लिख ली, ये बोल रहा है एम्पलीट्यूड बिकम्स हाफ ऑफ मैक्सिमम आफ्टर 4 सेकंड, तो इक्वेशन बनाते हैं ए नॉट बाई टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी बाई टू एम इंटू 4, फटाफट से उड़ाओ और ई की पावर माइनस बी बाई टू एम को पकड़ लो इधर से, तो ई की पावर माइनस बी बाई टू एम कुछ नहीं करना, बस ये 4 उठा करके उल्टा करके उधर लगा दो, तो 1/2 होल टू द पावर 1/4। अब चलते हैं, कहता है टाइम सॉरी एम्पलीट्यूड बताओ आफ्टर 12 सेकंड। अब फिर से इक्वेशन लगाओ ए इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी बाई टू एम और टाइम की वैल्यू हो गई 12, इतने पोर्शन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्सटीट्यूट कर दो, तो ए नॉट 1/2 की पावर 1/4 टाइम्स 12, तो 4 3 12, तो आंसर आ गया ए नॉट बाय 2 की पावर 3, दैट मीन्स ए नॉट बाय 8, तो आंसर हो गया a0/8। तो मेरे ख्याल से अब तो एक्सपोनेंट से बचना आ गया होगा, तो e की पावर माइनस b by 2m को निकालो पहली इक्वेशन से, दूसरी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो, आपका एक्सपोनेंट कभी दिक्कत में नहीं आएगा, आप आराम से सवाल को कर सकते हो, सेम टेक्निक मैकेनिकल एनर्जी के लिए भी लगा सकते हो। तो ये था वो टूल जिससे आप अपना डैम्ड ऑसिलेशन कवर कर सकते हो। अब आपके पास फोर्स्ड ऑसिलेशन आता है, फोर्स्ड ऑसिलेशन की बड़ी गंदी सी इक्वेशन होती है, ठीक है ना, अब बहुत कम चांस है नीट वाला इसको पूछेगा, बट फिर भी थ्योरी पढ़ के जाओ। फोर्स ऑसिलेशन में क्या होता है, हम पार्टिकल को एक्सटर्नल फोर्स लगा के ऑसिलेट कराते हैं, और इसकी ये लंबी सी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, और बिल्कुल भी आसान नहीं है ये, फाइनल उस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है, तो याद कर लो अगर चाहिए तो, ये तो छोड़ के चले जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है फोर्स ऑसिलेटर को। अच्छा, इसका जो एम्पलीट्यूड आता है वो इतना खतरनाक सा आता है, ए इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल बाय एम अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी ओमेगा बाय एम होल स्क्वायर। तो ये मतलब बिल्कुल भी आसान नहीं है, अब आप ये समझ करके चलो कि फोर्स ऑसिलेटर डिफिकल्ट ऑसिलेटर है। ओमेगा क्या होता है, जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम लोग ओमेगा बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, इसमें थ्योरी में ये पूछा जाता है कि कब ये रेजोनेंस में होता है, रेजोनेंस मतलब जब हम पार्टिकल को ऑसिलेट करा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है तो हम बोलते हैं पार्टिकल इज इन रेजोनेंस। तो ये रट के जाओ, तो जब ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बिकम्स इक्वल्स टू ओमेगा नॉट यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो पार्टिकल है वो रेजोनेंस में होता है, और ऐसे सिचुएशन में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इट ड्राइव्स मैक्सिमम पावर फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, तो मैक्सिमम पावर एक्सटर्नल सोर्स से वो ड्राइव करता है। एम्पलीट्यूड निकालोगे तो ये कट जाएगा और एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी एफ एक्सटर्नल बाय एम, एम एम कटेगा, तो फाइनली एम्पलीट्यूड बचेगा एफ एक्सटर्नल बाय बी ओमेगा, ओमेगा को आप ओमेगा नॉट भी डाल सकते हो क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन है, तो बी ओमेगा नॉट, और ओमेगा नॉट हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो एफ एक्सटर्नल बाय बी अंडर रूट ऑफ के बाय एम।
अगर बी का वैल्यू जीरो कर दें तो एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आप देखो जरा, बी इक्वल टू जीरो करते ही ये सीधे एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट पे भागेगा, ठीक है ना। बी डैम्पिंग कोफिशिएंट को बोलते हैं। तो जितना डैम्पिंग कोफिशिएंट कम होगा, डैम्पिंग कोफिशिएंट मतलब विस्कस फोर्सेस की वजह से, तो अगर विस्कस फोर्सेस प्रेजेंट ही नहीं है तो ऐसे में पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर स्मॉल बी है तो ऐसे में एम्पलीट्यूड की वैल्यू, या जितना बी बढ़ता चला जाएगा एम्पलीट्यूड का वैल्यू उतना कम होता चला जाएगा। तो ये था आपका पूरा एसएचएम का टॉपिक। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए जैसे क्वेश्चन देता हूँ हर बार, वैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मन लगा करके एसएचएम वेव वाले टेस्ट से ये प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना। क्योंकि एसएचएम, अब नेक्स्ट लेक्चर मैंने बोल ही दिया ना क्या आएगा, आपका वेव का नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। तो इनको प्रैक्टिस करो, कंट्रोल करो टॉपिक को, आपके 2 से 3 प्रॉब्लम का सेट यहाँ से बढ़िया सा तैयार हो जाएगा, आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, जो आपको मैं प्रॉब्लम आगे देने जा एसएचएम के आपके ये क्वेश्चन है जो कंसेप्चुअल और एडवांस टेस्ट के, इनको प्रैक्टिस कर लिया तो एसएचएम के जो भी क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आएंगे वो आपसे गलत नहीं होंगे, ठीक है, इतनी गारंटी है। तो अब इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, आपका एसएचएम कंप्लीट हो जाएगा। कल हम लोग वेव का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।